हाँ जी दोस्तों अ वेरी 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 गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू वेरी 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 गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू ऑडिबल विजिबल सबको हाँ जी ऑडिबल विजिबल सबको हाँ लेटर हो चुका है मुझे पता है जस्ट अ मोमेंट आ चलिए सो so, भाई सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ जिन बच्चों ने अभी टेलीग्राम का ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हो जाओ पहली बात तो ये दिख रहा है टेलीग्राम का ग्रुप सर्च इंजन में जाके एक्ट सी ए फाउंडेशन लिखोगे तो टेलीग्राम के ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे तो लेटेस्ट अपडेट लेटेस्ट वीडियो टाइमिंग अगर चेंज हो रहा है कुछ हो रहा है आपको पता चलते रहेगा ये पहली बात दूसरी बात अब भी अगर कोई स्टूडेंट बचा हुआ है चाहे फेस टू फेस का हो चाहे यूट्यूब का हो भाई आए हो गलती से भी तो सब्सक्राइब करके जाओ कुछ छूट जाएगा तो बाद में बोलने का नहीं कंप्लेन बहुत अच्छे से करते हो क्योंकि आप लोग ठीक है जी चलिए ये दो चीज़ करनी थी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू मेरी बात सुनिएगा यस गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून ठीक है सुनिएगा जी मेरी बात कुछ बच्चों का ऐसा था कि सर लेटर एक बार बता दो कर दो करके तो लेटर का अपने लास्ट के दो कुछ छूटे हुए भी थे लास्ट के मॉड्यूल के अंदर लास्ट के जो दो लेटर वाले हैं वो छूटे हुए थे तो मैं बोला इसी बहाने क्या हो जाएगा तो जो दो छूटे हैं वो भी हो जाएंगे और साथ में जिसका जिसका लेटर नहीं हुआ है उसको भी थोड़ा बहुत एक आइडिया लग जाएगा कि लेटर लिखना कैसे भाई पूरा तो रिपीट कर ही नहीं सकते अब लेटर के अंदर ना दो चीज़ आती है लेटर के अंदर दो चीज़ आती है पहला तो ऐसा है ये वाला आ गया लेटर दूसरा लेटर के अंदर आता है ऑफिशियल कम्युनिकेशन ये लेटर है ये लेटर आप इंक्वायरी लेटर करते हो कंप्लेन लेटर करते हो रिकवरी लेटर करते हो सेल्स प्रमोशन लेटर करते हो वगैरह वगैरह ये लेटर है ख़त लिख रहे हैं ठीक है जी दूसरा इसमें आता है एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन एंड दैट ऑफिशियल कम्युनिकेशन लेटर नहीं होता वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो अपन आज ही करेंगे उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे सो so, ऐसा है कि एक बार जिनका जिनका नहीं हुआ है एक बार इसको देख लेते हैं लेटर को ताकि जो बच्चे टेलीग्राम में और इधर उधर बोल रहे थे कि सर लेटर एक बार थ्योरेटिकली बता दो क्या हुआ है कैसे हुआ है करके तो एक बार लेटर को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते जो मॉड्यूल के अपन ने कुछ छोड़े थे मॉड्यूल के एक दो लेटर अपने बचे थे मैं वो भी करा देता हूँ मैं क्या है कंप्लेन करने वाले बहुत होते हैं पता है क्या तो इसलिए मैं भाई अपनी तरफ से पूरी जिम्मेदारी कर दूँ मैं बोला भाई इतना करवाने के बाद भी इतना सुनने को अगर मिल जाएगा तो भाई मेरा पूरा ही करवा दें अच्छा हुआ थैंक्स टू यूट्यूब एंड द टेक्नोलॉजी कि मेरे पास प्रूफ रहेगा कि भाई मैंने करवाया है ठीक है चलिए जी शुरू कर ले फटाक से हाउस द जोश हम सब करके बताओ फटाक से चलिए सुनिएगा तो भाई सबसे पहले जिसका अगर लेटर छूटा हुआ है ठीक है सबसे पहले लेटर जिसका छूटा हुआ है ये फॉर्मेट होता है ठीक है ये फॉर्मेट होता है सबसे पहले आपको लिखना पड़ता है सेंडर का एड्रेस सेंडर के एड्रेस के बाद डेट डेट के बाद जिसको भेज रहे हो उसका नाम और पता अच्छा और एक बात रिपीट करना चाहता हूँ और एक बात रिपीट करना चाहता हूँ ये जो जितनी भी चीज़ें मैंने करवाई है जैसे कम्युनिकेशन कराया छः मार्क्स आप नहीं रिवाइज करोगे तत्काल प्रभाव से रिवीजन चाहिए उसका और कम से कम दो घंटे का क्योंकि अपन ने दो घंटे की तो क्लास की तो एटलीस्ट दो घंटे का आप उसको रिविजन करो मतलब अच्छे से करने के लिए रेगुलर क्लास होती रहती जिसमें एग्जाम में अभी टाइम है तो एक बार पढ़ लेते फिर एग्जाम में अच्छे से पढ़ते लेकिन अब तो एग्ज़ाम है ही है और अपनी स्ट्रेटजी भी यही थी कि भाई एग्ज़ाम के पहले अपन पढ़ने वाले हैं ताकि आपको याद रहे तो जो कम्युनिकेशन वाला है अगर आपने उसको दो से ढाई घंटे खुद से नहीं दिए उसको रिटेन नहीं किया पिछले क्वेश्चंस नहीं देखे जैसे कि भाई पास्ट एग्जाम में क्वेश्चंस दिए हुए हैं तो फिर समझदार हो आप ठीक है कम्युनिकेशन दूसरा ये जो लेटर की बात हम लोग कर रहे हैं भाई जो लेटर हैं लेटर के लिए मैं पहले भी बोला हुआ हूँ कि अगर बच्चे को फॉर्मेटिंग याद है उसकी फॉर्मेटिंग बहुत प्यारी है मतलब जहाँ पे जो चीज़ पहले जैसे सेंडर का एड्रेस फिर एक लाइन छोड़ के डेट फिर एक लाइन छोड़ के रिसीवर का नेम और एड्रेस अगर आपका फॉर्मेट बहुत सुंदर है बीच में बॉडी की लैंग्वेज ऊपर नीचे चलेगी अगर आपका फॉर्मेट सही साठ है नीट एंड क्लीन है शार्प है आपके दो मार्क्स वहीं पक्के हो जाते हैं ठीक है थीके? आपके दो मार्क्स वहीं पक्के हो जाते हैं लेकिन अब ऐसा है भाई प्रैक्टिस करना नहीं है याद कर लिए हाँ ऐसा ऐसा था भैया देखो जो भी चीज़ें लिखने के लिए मैं बोलता हूँ किसी कारणवश बोलता हूँ आपको लग रहा होगा यहाँ पे याद आ जाएगा लेकिन वहाँ पे ना फ्रेम करने में बड़ी तकलीफ़ आती है फ्रेम करने में अरे यहाँ पे ये यह था कि वहाँ पे वो था एक लाइन इधर छोड़नी थी सिंसियरली इधर लिखना था कि इधर लिखना था तो भाई कम से कम आपकी ड्यूटी है कम से कम दो से तीन लेटर पहले भी मैंने होमवर्क दिए थे अभी भी मैं बोल रहा हूँ ताकि आप फॉर्मेट बना के लिख लो बहुत ईजी है लेटर बहुत ईजी है लड्डू के मार्क्स है और इसके आगे भी जो मैं चीज़ कराने वाला हूँ वो भी लड्डू के मार्क्स वाली चीज़ है तो आपकी ड्यूटी है कि आप उसको प्रैक्टिस ज़रूर करें क्योंकि देखो बीच का जो मुद्दा है वो थोड़ा बहुत सबका अलग होगा एकदम कट टू कट नहीं आएगा उसके लिए माइड भी मार्क्स कट सकते हैं लेकिन फॉर्मेट में आपको मार्क्स मिलेंगे जैसे कि आपको अकाउंट्स में या किसी दूसरे प्रैक्टिकल अकाउंट्स में बाकी तो मैथ्स तो ऑब्जेक्टिव है अकाउंट्स में भी आपको स्टेप मार्किंग मिलती है बराबर है क्या जस्ट अ मोमेंट हाँ जी ठीक है तो एक बार मैं वापस से आ जाता हूँ स्क्रीन में तो सबसे पहले देखो सेंडर का एड्रेस है सेंडर के एड्रेस एक लाइन छोड़ के आपको डेट लिखना है डेट फिर एक लाइन छोड़ के जिसको भेज रहे हैं उसका नाम अता पता लिखना है बराबर है नेम उसका लिखना है फिर एक लाइन छोड़ के उसका एड्रेस लिखना है तो सर पहले सेंडर का एड्रेस और कौन से साइड में होगा लेफ्ट साइड में होगा और एक ही इंडेंशन में चलेगा लेफ्ट साइड में रहने वाला है सेंडर का एड्रेस एक लाइन छोड़ के डेट एक लाइन छोड़ के उसका नाम फिर एक लाइन छोड़ के उसका एड्रेस फिर सर मैडम फिर एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट जहां जहां देखो ये लाइन दी हुई है इसका मतलब एक लाइन छोड़ने का कंटेंट कंटेंट यानी कि किस वर्पजस से आप लेटर लिख रहे हो बराबर है क्या तो कंटेंट के अंदर टोटल तीन चीज आने वाली है इंट्रोडक्शन किस वजह से लेटर लिख रहे हो उसके बारे से बताओगे बॉडी बॉडी यानी कि फाइनली मेन पैरा जो आपका रहेगा वो अभी तुरंत आएगा लेटर तो मैं आपको बताऊंगा और कंक्लूजन ठीक है जी ये लिखने के बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज रहेगा योर ट्रूली और सिंसियरली सिग्नेचर रहेगा डेजिग्नेशन रहेगा अब इसमें एक सैंपल इसके बेसिस में आपको दिखा देते हैं भाई हमने क्या कर लिया था मैं आपको बता दूं हमने सारे लेटर कर लिए थे लेटर ऑफ इंक्वायरी अपना हो गया था थम्सअप करते जाइएगा साथ साथ में ऑर्डर लेटर अपना हो गया था ठीक है जी ऑर्डर लेटर के बाद बढ़ू तो मैं लेटर ऑफ कंप्लेंट भी हो गया था ठीक है लेटर ऑफ कंप्लेंट के बाद रिप्लाई टू लेटर भी हो गया था कि रिप्लाई भी कर दिए ठीक प्रमोशनल लेटर अपन ने नहीं किया था एक प्रमोशनल लेटर नहीं किया था सेल्स लेटर नहीं किया था और रिकवरी लेटर ये तीन नहीं किए थे तो सेल्स और प्रमोशनल दोनों लगभग एक ही अपन एक रिकवरी वाला समझ लेते एक बार जिससे बाकी बच्चों को थोड़ी सी फॉर्मेटिंग समझ में आ जाएगी और रिकवरी लेटर पूछ भी सकता है बराबर है क्यों आजकल बैंक में बहुत सारे लुटेरे आ गए हैं तो उनको रिकवरी लेटर भेजा जा सकता है तो रिकवरी लेटर कैसे भेजना चाहिए क्या करना चाहिए ये समझ के लेते हैं फिर अपन आगे बढ़ेंगे तो एक जिनका लेटर नहीं हुआ था उनको आइडिया हो जाएगा और एक बार आपका रिविजन भी हो जाएगा तो बोले देखो ये किसको एड्रेस किया जाता है कस्टमर को या क्लाइंट को बराबर ठीक है जिसको फ्रॉम होम मनी नीड्स टू बी कलेक्टेड फॉर द गुड्स और सर्विस प्रोवाइडेड टू देम आपने उनको कोई सर्विस दी है, है उसके लिए पैसा लेना है कोई गुड्स दिया है उसके लिए पैसा लेना तो आप रिकवरी लेटर कि भाई पैसा दो कब दोगे ठीक है जी चलिए अब इसमें ना टिप्स में आ जाओ सीधा कि क्या टिप्स यूज़ करने अच्छा मैं आपको एक बात और बोलूँ ये जो इतने सारे इंट्रोडक्शन देते हैं ना ये आपको बस बताते हैं कि रिकवरी लेटर में क्या लिखना है नहीं लिखना है तो मैं ऑलरेडी आपको वो बता देता हूँ लेटर पढ़ाते पढ़ाते तो अगर आप सोच रहे होंगे कि ये सारी चीजें भी एग्जाम में पूछ लेगा तो ऐसा नहीं है आपको एग्ज़ाम में सीधा मेमो लेटर मुद्दे की बात जो स्टार्टिंग की चीजें होती है ना कि लेटर काहे के लिए लिखा जाता है मेमो क्या होता है उसके लिए मैं हूँ वो मैं ऑलरेडी बता देता हूँ तो आपको सीधा अर्जुन की आंख लेके सीधा निशाना लगाना इन सारी चीज़ों में जो मैं पढ़ा रहा हूँ ठीक तो बोले अगर आपको रिकवरी लेटर लिखना है वसूली बोलते हैं इसको वसूली लेटर लिखना है सबसे पहले आपको अपनी पोलाइट लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी जेंटल रिमाइंडर ऐसा नहीं क्या बेड कब दे कब है पैसे दोस्त को नहीं लिख रहे हो क्लाइंट को लिख रहे हो समझ में ही क्या बात दूसरा थ्रेटनिंग लैंग्वेज सिर्फ तभी यूज की जाएगी अगर सिचुएशन कंट्रोल के बाहर है थ्रेटनिंग लैंग्वेज तभी यूज की जाएगी जब सिचुएशन कंट्रोल के, के क्या है बाहर है आप डराओगे धमकाओगे नहीं कि भाई इस डेट तक पैसा दे दिया तो ठीक नहीं तो हमारे पास और भी बहुत सारे तरीके हैं ये फालतू की बातें करना नहीं है जब तक अपने कंट्रोल के बाहर ना चले जाए चीजें ठीक है तीसरा अगर डिस्प्यूट हो जाता है तो रीज़न बताओ डिस्प्यूट का एरर का पे का ठीक है जी उसके बाद क्या बोल रहा है उसको ये भी बता दो कि अगर तुम पैसा नहीं देते हो तो वॉट एवर लीगल एक्शन पॉसिबल हम क्या लीगल एक्शन ले सकते हैं ठीक है डो नॉट यूज ऑफिशियल रिकवरी लेटर्स टू वेंट आउट पर्सनल एमिटी और हार्ट रेट अपनी दुश्मनी निकालने के लिए रिकवरी लेटर मत लिखो एक्चुअल में जब पैसा लेना है ना तो ही लिखो बराबर है लैंग्वेज फॉर्मल रहेगी और बिजनेस ओरिएंटेड रहेगी अब देखो यहां पर क्या बोल रहे हैं सिंपल सी बात है देखो क्या है बैंक है तो मैंने आपको पहले बताया था क्या सेंडर का नाम अता पता तो देखो एक्स वाइजेड बैंक उसका एड्रेस है पीपी -पी टावर्स ठीक है फिर एक लाइन छोड़ के डेट था तो फिर एक लाइन छोड़ के देखो बीच में लाइन छूटी हुई है डेट है यहां पे फिर एक लाइन छूटेगी और वहां पे क्या लिखा है देखो किसको भेज रहे हो तो मैनेजर को भेज रहे हो त्रिमुला कारपोरेशन ये जिसको भेजना है उसका एड्रेस फिर एक लाइन छूट के डियर मिसेस वेदलक्ष्मी अब देखो एक इंपॉर्टेंट बात हर जगह आपने जब सब्जेक्ट देखा तो सब्जेक्ट देखो नॉर्मल था एस बड़ा था फिर यू बी जे ई सी टी वो स्मॉल में थे यहां पे पूरा का पूरा सब्जेक्ट बड़ा है क्यों क्योंकि हम आपको हाईलाइट करना चाह रहे भाई मामला थोड़ा सा गंभीर है रिकवरी चाहिए अपने को तो इसका सब्जेक्ट बड़ा है बहुत मैटर करती है चीजें सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ है पेंडिंग ड्यूज तो देखो क्या बोल रहा है कि भाई ये जो लेटर है एक जेंटल रिमाइंडर है एक एकदम बिजनेस रिलेशन में जेंटल रिमाइंडर है तो अभी अगर आप देखोगे तो यहां तक तो ये फॉर्मेट ही है ये हर जगह सेम रहेगा बस देखो बाकी जगह सब्जेक्ट जहां पे एस कैपिटल था बाकी स्मॉल थे यहां पे पूरा का पूरा कैपिटल रहेगा तो यहां से लेके यहां तक की चीजें ये सेम रहेगी सब लेटर्स में ये सेम रहने वाला है पहली बात दूसरा ये चीजें ये सेम है नीचे की चीजें मतलब हो? थैंकिंग क्योंकि जगह योर सिंसियर सॉरी योर सिंसियरली की जगह आप कुछ और लिख सकते हो ऊपर बताया गया है कि कौन से लेटर में क्या डिपेंड करता है बाकी ये सेम रहेगा यहाँ की जो चीज़ है यहाँ की जो चीज़ है इसको बोलते हैं बॉडी अब भैया बॉडी सेम हो ही नहीं सकती कौन सा लेटर दे रहा है आपको पता ही नहीं है तो इसमें लैंग्वेज आगे पीछे चल जाएगी फॉर्मेट आगे पीछे नहीं चलेगा जैसा मॉड्यूल में दिया है आपको करना पड़ेगा अभी देखो रिमाइंडर अपने को कैसे दे रहे हैं मैं क्लास ले रहा हूँ अभी हो गया चालू मैंने कर लिया था इसको मतलब वो क्या रैम में मॉइस्चर आ गया था हाँ साफ करके लगाया तो हो गया था वो ठीक है मैं कॉल करता हूँ क्या ना थैंक यू भैया वो भैया आए थे रिपेयर करने के लिए इसको मैंने उनको फ़ोन किया था फिर मैं खुद ही बना लिया था वही आए थे ठीक है सुनिएगा मेरी बात ठीक है तो मैं क्या बता रहा था यहाँ पे देखो लैंग्वेज कैसे रहेगी दिस लेटर इज अ जेंटल रिमाइंडर जेंटल रिमाइंडर फॉर पे बैक ऑफ द लोन अमाउंट ऑफ रुपीज फोर करोड़ दैट योर कंपनी हैव टेकन फ्रॉम अवर बैंक इन जून लास्ट ईयर अब देखो मैंने बताया था स्टार्टिंग वाला जो भी लाइन रहेगा ना वो इंट्रोडक्शन रहेगा तो देखो इनने भी इंट्रोडक्शन कैसे शुरू किया बोले ये जो लेटर है एक जेंटल रिमाइंडर है जो चार करोड़ रुपए का लोन आपने लिया था ना कौन सी तारीख को जून लास्ट ईयर में तो ये इंट्रोडक्शन कि लेटर में आगे हम क्या बात करने वाले हैं अभी तो वह शुरुआत की है, अभी तो सिर्फ मुद्दा बताया है ठीक है तो बोले लोन की गाइडलाइन के हिसाब से जो हमारा लोन एग्रीमेंट हुआ था ऑन कंप्लीशन ऑफ ट्वेल्व मंथ यू वुड नीड टू पे बैक द लोन बोले बारह महीने के बाद आपको इंटरेस्ट के साथ पे करना था जैसे कि हमारी आपस में बात हुई थी तो यहाँ पे जैसे लोन गाइडलाइन लिखा है तो आप ये लग सकते हो एज पर अवर लोन एग्रीमेंट इट वॉज इट वॉज इट वॉज डिसाइडेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्वेल्व मंथ्स योर कंपनी नीड टू पे बैक द लोन अमाउंट अलॉन्ग विद्रोप्रिएट इंटरेस्ट ठीक है अब बोल रहा है ठीक है अब क्या बोल रहा है एज द पेमेंट इज ड्यू सिंस लॉन्ग बोले हालांकि आपने 12 महीने में पेमेंट नहीं किया और बहुत लंबे समय से जा रहा है वी वुड अप्रीशिएट इफ यू सेंड द चेक इमीडिएटली बोले समय बहुत ज्यादा हो गया है और हम आपको बहुत अप्रीशिएट करेंगे अगर आप चेक बहुत जल्दी भेज देंगे तो ठीक है ये हो गई अपनी भाई इंट्रोडक्शन भी हो गया बॉडी भी हो गया बॉडी के बाद ये दो चीज यहां पर ये देखो ये कंक्लूजन वाली लाइन होती है ये कंक्लूजन मैं एक बार आपको और फॉर्मेट दिखाता हूं ताकि आपका एक, एक बार और आइडिया हो जाए आपको ध्यान से देखिएगा ठीक है तो देखो सबसे पहले ना ये इंट्रोडक्शन वाली लाइन थी वहां पर कि दिस इज रिगार्डिंग वॉट बोले दिस इज अ जेंटल रिमाइंडर जो आपने लोन लिया था लास्ट जून में उसके बारे से बात करने वाले फिर इनने क्या किया बॉडी बॉडी में इनने क्या बता दिया यहां पे तो अलग चीज है बॉडी में उनने ये बता दिया कि भाई हमारी जो लोन एग्रीमेंट डिसाइड हुई थी वही हुई थी बारह महीने बाद आप, आप इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करेंगे नहीं हुआ तो अगर आप जल्दी चेक भेज देंगे तो बहुत हम अप्रिशिएट करेंगे ये बॉडी हो गई अब कंक्लूजन कि अगर नहीं पे किया हम कब तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपसे चेक आ जाएगा और नहीं आया तो क्या होगा दैट विल कम अंडर कहां पे कंक्लूजन में आइए देखते हैं उसको ठीक है सुनिएगा ठीक तो देखो क्या लिखा है आई रिक्वेस्ट यू पोलाइट एकदम पोलाइट आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली डू द नीडफुल विद इन द नेक्स्ट सिक्स वर्किंग डेज यानी कि जो चेक आप भेजने वाले हो ना अगले छह हफ्ते में भेज देना सॉरी छे दिन में भेज देना अगर आप फेल हुए तो हम स्ट्रिक्ट लीगल एक्शन ले सकते हैं तो काइंडली एक्नॉलेज द रिसिप्ट काइंडली एक्नॉलेज यानी कि आपको मिल गया है इसका रिप्लाई कर दो कि हाँ भाई मिल गया है और जैसा कि आपने बोला है मैं उसको पूरा पूरा करूंगा तो काइंडली एक्नॉलेज द रिसिप्ट ऑफ दिस लेटर थैंक यू फिर एक लाइन छूटेगी योर सिंसियरली अनिल जैन मैनेजर तो देखो जहां जहां गैप है ना जहां जहां गैप है वहां वहां लाइन छूटेगी अगर ये समझ में आए थम्स अप मारिए फटाक से और अगर आज का जो अपना टारगेट है जो मैं करवाने वाला हूं अभी जस्ट आगे अगर वो होने के बाद टाइम बच जाता है मैं आपको एक दो लेटर प्रैक्टिस भी करवाऊंगा खुद ही क्लास में लिखवा दूंगा बराबर है क्या वो मैं करवा दूंगा जैसे अभी मैं मेमो को भी करवाने वाला हूं हाउस थम्स अप मारो ये चीजें समझ में आई तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी चलिए जस्ट अ मोमेंट हाँ जी अब अपने पास क्या है अब अपने पास क्या है ये तो अपना हो गया ये लेटर अपना ऑलरेडी पहले हो रखा हुआ था ठीक है ये जस्ट एक मेरे को आपको ब्रशअप करना था इसलिए करना था आज का जो टॉपिक है अपने पास आज का अपने पास टॉपिक है ऑफिशियल कम्युनिकेशन अच्छा अगर आप मॉड्यूल में अपनी देखेंगे तो देखो ये क्या लिखा हुआ है पार्ट टू पार्ट टू तो ये जो पार्ट टू है ना ये पार्ट टू किसके अंदर आता है आपको पता है क्या आपका चैप्टर नंबर टेन है बी के अंदर जिसमें लिखा है राइटिंग फॉर्मल लेटर्स एंड ऑफिशियल कम्युनिकेशन तो जो पार्ट ए था वो फॉर्मल लेटर वाला है चैप्टर टेन का और जो पार्ट बी है ये ऑफिशियल कम्युनिकेशन है जो हम कर रहे हैं तो पार्ट ए अपना हो गया टाइम बचेगा मैं राइटिंग प्रैक्टिस कराऊंगा पार्ट टू ये है ऑफिशियल कम्युनिकेशन जिसको मैं पढ़ाऊंगा भी और इसकी अभी एक आध सैंपल आपको करवा के भी लूंगा ठीक है जी ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को चलिए अब ये जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन बोल रहा है नाम पे ही क्या बोल रहा है ऑफिशियल कम्युनिकेशन इसमें अपन हार्डली इसमें अपन हार्डली दो चीज पढ़ने वाले सर्कुलर और मेमो यस yes. दो चीज पढ़ने वाले हैं दोनों का पर्पस समझो तो ऑफिशियल सर्कुलर के अंदर टोटल अपने पास कितनी चीज आती दो एक आता है क्या सर्कुलर एक आता है मेमो ध्यान से दोनों को सुनना अब इसका पर्पस क्या है क्यों यूज होता है ये कोई लेटर बाहर भेजने के लिए नहीं कि, कि से अपन रिकवरी मांग रहे हैं किसी से इंक्वायरी कर रहे हैं किसी को प्रमोशन कर रहे हैं ये उसके लिए नहीं है जो लेटर था अगर आपको ध्यान होगा तो लेटर आउटसाइडर को जा रहा है फॉर्मल लेटर आउटसाइडर को जा रहा है जैसे अपन ने इंक्वायरी की आउटसाइडर को गया रिकवरी की आउटसाइडर को गया सेल्स प्रमोशन किया आउटसाइडर को किया कंप्लेन किया आउटसाइडर को किया उससे रिप्लाई आया वो भी आउटसाइडर से आया यानी कि ये एक से उधर जा रहा है बराबर ऑफिशियल कम्युनिकेशन जो है ये विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होता है दोनों में डिफरेंस है दोनों में डिफरेंस है जो लेटर है लेटर एक जगह से दूसरी जगह जाता है वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है बराबर लेकिन हम जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं जिसमें हमको दो चीज पढ़नी है पहली चीज पढ़नी है सर्कुलर दूसरी चीज पढ़नी है अपने को मेमो तो ये जो दोनों के दोनों चीजें नाम पर क्या लिखा है ऑफिशियल ऑफिशियल ये विद इन होता है अब विद इन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है ध्यान से सुन के लीजिएगा विद इन द ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि भाई मैं कंपनी में हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में ठीक है जी बहुत अच्छी बात है रिलायंस इंडस्ट्री में हूँ अब रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर मार्केटिंग डिपार्टमेंट है सेल्स डिपार्टमेंट है रिसर्च डिपार्टमेंट है प्रमोशन डिपार्टमेंट है अलग अलग डिपार्टमेंट है ये सब आ तो रिलायंस के अंदर रहे हैं। जी सर बिल्कुल रिलायंस के अंदर आ रहे हैं बहुत बढ़िया ठीक है अद्वित पद मैं सी एम ए का स्टूडेंट हूं आपकी वजह से लॉ ईजी हो गया बहुत बहुत धन्यवाद अद्वित भाई बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है अपन वापस टॉपिक में आते हैं सो so, अब अगर मेरे को सेल्स डिपार्टमेंट से रिसर्च डिपार्टमेंट में कुछ बात करनी है वहां के एम्प्लॉयज को कुछ बताना है कि मैं सेल्स डिपार्टमेंट वाला हूं तो हम सेल्स डिपार्टमेंट तो हमको ये पता चलते रहता है ना कि कस्टमर की नीड क्या क्या है क्योंकि वी आर इन द सेल्स डिपार्टमेंट कस्टमर हमसे क्या डिमांड करता है क्योंकि हम सेल्स में विनो कि क्या चाहिए उसको तो हम ना रिसर्च वाले को ये बोल रहे हैं कि तुम इस चीज में रिसर्च करो कि कस्टमर को इस सब्जेक्ट में जैसे कि अगर मैं डेटा की बात करूं तो कस्टमर एक दिन में कितना डेटा यूज करता है और वो उसके लिए कितना स्पेंड करने के लिए एग्री कर रहा है तो अपन उसको बोल देंगे कि भाई यहां पे ना कस्टमर डेटा में ज्यादा फोकस कर रहा है आजकल तो तू रिसर्च कर वहां पर तो ये क्या किया मैं रिलायंस कंपनी के अंदर सेल्स डिपार्टमेंट में से रिसर्च डिपार्टमेंट को मैंने बता दिया सर्कुलेट कर दिया कि क्या करना है बराबर ये एक एग्जाम्पल ये हो गया इंटर डिपार्टमेंटल इंटर डिपार्टमेंटल रिलायंस के अंदर ही मैं सेल्स से रिसर्च वाले को लिख रहा हूं लेकिन मगर मेरे को अपने ही डिपार्टमेंट वालों को कुछ बात बतानी है, है पूरे सेल्स डिपार्टमेंट का भाई मैनेजर है मैं देख रहा हूं पिछले कुछ दस बारह दिन से ऑफिशियल टाइमिंग दस बजे है ऑफिशियल टाइमिंग दस बजे है कोई दस दस पे आता है कोई सवा दस पे आता है कोई साढ़े दस पे आता है कोई दस बीस पे आ रहा है यानी दस पे कोई नहीं आ रहा है कोई प्रोफेशनलिज्म ही नहीं है मेरा बुद्धि घूम गया अ मैनेजर मैंने अपने ही डिपार्टमेंट में इंट्रा डिपार्टमेंटल एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट जाएगा दैट इज इंटर इंटर डिपार्टमेंटल विद इन द सेम ऑर्गेनाइजेशन लेकिन मैं अपने ही डिपार्टमेंट में अगर कुछ भी सर्कुलेट करता हूं दैट इज इंट्रा डिपार्टमेंटल इंट्रा यानी कि विद इन द सेम डिपार्टमेंट ठीक मैं वहां पे एक सर्कुलर चालू कर दिया इस डेट से कि मैं देख रहा हूं पिछले कुछ दिनों से कोई भी टाइम से नहीं आ रहा है इस तारीख से ये नियम है अगर आप दस बज के पांच मिनट में ऑफिस में रिपोर्ट नहीं करते हैं तो आपकी सैलरी का पर पेनाल्टी मतलब पर डिफॉल्ट एक परसेंट काटा जाएगा पर, पर एब्सेंस एक परसेंट काटा जाएगा ये अपन ने नियम बना दिया कहा इंट्रा डिपार्टमेंटल इसको बोलते सर्कुलेट करना कहां सर्कुलेट किए विद इन द डिपार्टमेंट अपन सर्कुलेट कर लिया भाई जाग जाओ अब सर इसको यूज़ क्यों करते हैं अब भाई मेरे को एक बात बताओ एक एक को अलग से मेल भेजेंगे एक एक को अलग से बुला के बैठाएंगे इसमें कोई मीटिंग करने की भी जरूरत है ये एकदम यूज़र फ्रेंडली है टाइम भी अपना बच जाता है कॉस्ट इफेक्टिव भी है भाई सर्कुलर एक अपने को बोर्ड में चिपका देना है या चिपकाए भी नहीं तो अपने को थोड़ी सी कॉपी निकाल के हर डेस्क में जाके दे देनी ये सर्कुलर खत्म किस्सा ये सर्कुलर इसके साथ साथ एक आता है मेमो तो मेमो क्या है मेमो कुछ रिमाइंड करवाने के लिए होता है कुछ याद दिलाने के जैसे एक एग्जाम्पल देता हूं हमारी जो बैंक है आईसीआईसीआई बराबर है क्या अब आईसीआईसीआई के टोटल चार पांच ब्रांच है तो तुमको नहीं लगता हर ब्रांच का इंप्लॉय कभी ना कभी किसी से तो बात करता ही रहता होगा क्योंकि इतनी बड़ी आईसीआईसी ब्रांच है उसके चार पांच ब्रांच है तो चार पांच ब्रांच में एम्प्लॉय एक दूसरे से बात करते ही रहते होंगे कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन के लिए क्योंकि ब्रांचेस एक है उसमें 10 लाख का फ्रॉड कर रहा था वो 10 लाख का फ्रॉड कर रहा था वो बराबर है क्या सोनाली मिस्त्री मेरी सीए फाउंडेशन की स्टूडेंट है हाँ अन अकेडमी में ठीक है ठीक तो अब जो दस लाख का पकड़ाया है तो भैया अब हमको हर ब्रांच में बताना तो पड़ेगा हर ब्रांच में बताना तो पड़ेगा कि भैया ये जो है ना जिसका नाम है राहुल नाम तो सुना ही होगा ये राहुल ना साला दस लाख चुराते हुए रेड हंड्रेड पकड़ा गया है और इसको कंपनी ने इसको बैंक ने निकाल दिया गया है जितने भी ब्रांच वाले हैं उनको ये रिमाइंड किया जाता है हाईलाइट किया जाता है सतर्क करवाया जाता है कि इससे अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन करोगे आप ही जिम्मेवार होने वाले हो कृपा करके इससे ट्रांजेक्शन ना करें इसको बोलते हैं मेमो उनके दिमाग में कुछ बातें डाल देना क्या ये बेसिक सी थीम समझ में आई ये बेसिक थीम समझ में आई तो थम्सअप करो मैं आगे बढ़ता हूँ और समझाता हूँ कि भाई अब एक्चुअली होता क्या प्रैक्टिकली किस किस जगह में अपन इसको लिखते हैं बोलिए थम्सअप करिए फटाक से चलिए बहुत बढ़िया बहुत शानदार उमदा प्रदर्शन आप लोगों का ठीक है अभी मेरी बात सुनिएगा तो एक बार थ्योरी चीजें आपको मैं बता देता हूं सोनाली बेटा इंटर की पढ़ाई कर जाके नवंबर में एग्जाम है ठीक है सुनिएगा मेरी बात चलो सर्कुलर की अगर मैं बात करूं तो अगेन मैं आपको बता दूं ये सर्कुलर मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया हूं ये नहीं पूछेगा बताओ सर्कुलर क्या होता है और ये आपको थ्योरी नहीं लिखना आपको एक्चुअल में सर्कुलर ड्राफ्ट करना है आपको एक्चुअल में ड्राफ्ट करना है सुनिएगा मेरी बात तो देखो ये क्या है सर्कुलेट होते हैं ह्यूज नंबर ऑफ इम्प्लॉयर्स इन एन ऑफिस इन अ साइमल्टेनियसली मैनर सबको सर्कुलेट होता है पहली बात एक स्पेशल मैसेज दिया जाता है इंस्ट्रक्शन दिया जाता है यूज़र फ्रेंडली होता है कॉस्ट इफेक्टिव होता है बराबर है क्या ठीक है बिजनेस इशू को फोकस करता है ठीक है जैसे कि क्या इनविटेशन टू अ मीटिंग ठीक है नया रूल्स को बना दिए उसके लिए ठीक है और बहुत इफेक्टिव मैथड होता है कम्युनिकेशन का अब ये जो मैं सिर्फ मार्क किया हूँ ये आपके लिए कि सर्कुलर होता है क्या आपके इंफॉर्मेशन के लिए ये याद नहीं करना है मैं बार बार बोल रहा हूँ हाँ अपने को ये ड्राफ्टिंग सीखनी नीचे जो ड्राफ्टिंग है एक सैंपल पढ़ेंगे मैं दूसरा आपको सैंपल बताऊंगा अभी अपन ड्राफ्ट करेंगे साथ में ठीक है तो ये सर्कुलर क्या आपको समझ में आ गया भाई ये विद इन द ऑर्गेनाइजेशन रहेगा सारे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जाएगा कोई नई मीटिंग करनी है कोई नया रूल फॉलो हुआ है ये सर्कुलर का, का काम है मेमो का काम अलग है अभी हम सर्कुलर देख रहे हैं ठीक है जी आगे बढ़ते हैं अपन तो देखो ये फॉर्मेट है मैं बोल रहा हूँ फॉर्मेट बार 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 फॉर्मेट बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान से समझ के लीजिएगा ठीक है चलिए सुनिए सर्कुलर नंबर क्या लिखा हुआ है सर्कुलर नंबर सर्कुलर नंबर कौन सा दिख रहा है ये तुमको ठीक है सर्कुलर नंबर ये आप रोमन में डालना चाहते हो रोमन में डाल लो नहीं तो आप ऐसे भी डाल सकते हो कि जैसे कि बोलो 2018 या 2020 चल रहा है अब 2020 का ये पांचवा सर्कुलर है फॉर सपोज एग्जाम्पल के तौर पे, तो आप ये कर सकते हो सर्कुलर नंबर सर्कुलर नंबर एट स्लैश करके 2020। इसका मतलब ये है 2020 में इसके पहले सात सर्कुलर जा चुके हैं आठवां नंबर वाला है या तो आप कैसे कर सकते हो ऐसे कर सकते हो बराबर है क्या आप रोमन नंबर में सीधा ऐसे 21 लिख सकते हो या आपकी चॉइस है कोई ऑर्गेनाइजेशन रोमन में लिखता है कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसे लिखता है ठीक है सर्कुलर और मान लो इसके बाद अगर कोई सर्कुलर आएगा तो क्या लिखेगा नौ no. ट्वेंटी ट्वेंटी बरोबर है क्या सो ये सर्कुलर हो गया अब तो यहां पे आप सर्कुलर लिखोगे सर्कुलर नंबर कौन सा है इसके पहले अगर ये इस साल का पहला सर्कुलर होता तो यहां पे आप एक 2020 लिख सकते थे या तो आप रोमन में सीधा क्या लिख देते ऐसा करके वन लिख देते ये हो गई एक बात बीच में उस सर्कुलर का सब्जेक्ट क्या है, ये बीच में आएगा ऑफिस वर्किंग आर्स कि भाई वर्किंग आर्स अपने को टाइम पे करना है जैसे कि अभी आप आपको मैंने एक एग्जांपल दिया था ऑफिस वर्किंग आवर्स के लिए और यहां पे देखो ये किसके लिए फॉर ऑल इंप्लॉइज हो सकता है यहां पे कंपनी का जो सबसे बड़ा सीईओ हो उसने सर्कुलर लिखा तो लिख देता फॉर ऑल डिपार्टमेंटल हेड अगर वो डिपार्टमेंटल हेड के लिए होता सेल्स डिपार्टमेंट का हेड कौन है उसके लिए प्रोडक्शन का हेड कौन है उसके लिए तो यहाँ पे लिख देता फॉर ऑल डिपार्टमेंटल हेड लेकिन ये सारे एम्प्लॉय के लिए जितने भी काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में सबके लिए ये ठीक है थीके? क्या बोल रहा है ये बड़ी स्क्रीन कर देता हूँ मैं एक सेकेंड तो देखो बोले कि ऑफिशियल कन्फर्मेशन है अबाउट द ऑफिस टाइमिंग जो हमको फॉलो करनी स्ट्रिक्टली बाय ऑल द एम्प्लॉयज ठीक है और बोले क्योंकि हम आउटसोर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन है नाउ व्हाट डू यू मीन बाय आउटसोर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन आउटसोर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन ये बीपीओ वीपीओ होते हैं ना जैसे कि भाई मान लो मेरा कोई प्रोडक्ट है मेरा कोई प्रोडक्ट है बराबर है क्या मेरे को उसका प्रमोशन करवाना है लाइक like, like मैंने क्या किया सी ए फाउंडेशन का पूरा डेटा परचेस किया ऑल ओवर इंडिया जितने भी स्टूडेंट है सबका डेटा परचेस किया और एक बीपीओ को दे दिया ये डेटा है उनको समझा दिया कॉल कर करके कर बताना है अर्जुन छाबड़ा सर का नाम बहुत अच्छा है और उनके ये प्रोडक्ट हैं लेक्चर बहुत शानदार है बोलो तो डेमो भेज देंगे उनको लगवा दिया उनका काम आउटसोर्स कर दिया मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में सब काम नहीं करा रहा हूँ वहीं दे दिया हूँ बी को बोलते हैं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग ये मेरे बिजनेस का पार्ट था जो मैंने बाहर दे दिया तो जो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग होते हैं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग वाले जो होते हैं उनका नाइट शिफ्ट भी होता है तो बोले वी मेंटेन अ डिफरेंट पैटर्न ऑफ वर्क आर एज कंपेयर टू द नॉर्मल ये नाइट शिफ्ट वाले हैं तो बोले सिंसियर रिक्वेस्ट है सारे एम्प्लॉय को टू फॉलो वर्क टाइमिंग एज पर द देंशन गाइडलाइंस ठीक है कैटरिंग टू द यूएस वर्क टाइम कैटरिंग टू द यूएस वर्क टाइम यानी कि यूएस में जो वर्क टाइम फॉलो होता है वो अपन करेंगे जैसे हमारे यहां दिन होती है तो उधर रात होता है और उनके यहां अगर रात हो रही है तो हमारे यहां दिन हो रहा है तो देखो यहां पे वर्किंग आवर्स क्या रहेगा सिक्स पी एम टू टू ए एम रात की शिफ्ट है सैटरडे संडे ऑफ रहेगा मेल ब्रेक मेल मेल ब्रेक आपको जो मिलेगा ये नाइन ए एम नहीं होगा पी पीएम होगा नाइन पी टू नाइन थर्टी और उसके बाद ये बोला है कि जो डिफ़ॉल्टर्स रहेंगे ना उनको पनिश किया जाएगा और उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा और इमरजेंसी के समय आपको बस नोटिफाई कर देना अपने हेड को एडवांस में और आप छुट्टी ले सकते हो सिमरन थलरेजा ये मैनेजर हो गई बराबर है क्या मुझे बताइए ये आपको समझा कि नहीं समझा अपन ने क्या कर दिया उसको सर्कुलेट कर दिया कि भाई अब से ये टाइमिंग रहने वाला है। छे से दो सैटरडे संडे ऑफ रहेगा मील ब्रेक रहे स्टार्टिंग में अपन ने बारे, तो है। है बारे से जो हमको फॉलो करना है स्ट्रिक्टली बाय ऑल एम्प्लॉय क्योंकि हम आउट तो ये पूरा परपज बताते हुए लिख दिया क्या ये समझ में आपको अब इसके लिए मैं आपको एक टॉपिक देता हूं और मैं आपके साथ लिखूंगा फुल स्क्रीन कर दूंगा मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ टॉपिक बताने के बाद आप कमेंट में बताना कि अपन क्या क्या लिख सकते हैं और अपन साथ में पूरा इसको एक ड्राफ्ट करेंगे पूरे मेमो को क्योंकि मेमो भी पांच मार्क्स का पूछा ही है ठीक है जी अब मेरी बात ध्यान से सुन के लीजिएगा मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ ठीक है तो मैं पहले एक बार आपको टॉपिक बता देता हूं टॉपिक क्या है ठीक है टॉपिक ऐसा है भाई टॉपिक ऐसा है कि स्कूल वाले पिकनिक लेके जा रहे हैं स्कूल वाले पिकनिक लेके जा रहे हैं बराबर है क्या तो उनको एक सर्कुलर दिलवाना है बराबर या इसके अलावा एक टॉपिक अपने पास और है कि जो ऑफिस वाले लोग हैं जो ट्रैवल करते सेल्स वाले ट्रैवल करते हैं और कंपनी उनको खर्चा देती है पेट्रोल का खाने पीने का खर्चा देती है तो कुछ इशू आ रहा है क्या इशू आ रहा है बोले कि भाई ये आप लोग ना ज़्यादा पैसा मांग रहे हो इतना तो किलोमीटर होता ही नहीं है आप लोग का बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है कंपनी को नुकसान हो रहा है आपको देने के लिए तो उसके लिए एक मीटिंग करवाएंगे मीटिंग करवाएंगे और मीटिंग में ये डिसाइड किया जाएगा कि आपको पर किलोमीटर कितना खर्चा देना है एक ये टॉपिक हो सकता है ऑफिस से रिलेटेड एक दूसरा टॉपिक ये हो सकता है कि स्कूल वाले स्कूल वाले पिकनिक लेके जा रहे हैं बराबर है और पेरेंट्स को कुछ सर्कुलर भेजना है अब देखोगे

तो इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट करने के दो रास्ते हैं पेरेंट्स के पेरेंट्स को बताने के लिए एक स्कूल का जो नोटिस बोर्ड है वहां पे चिपका दिए जहां पे रोज पेरेंट्स का आना जाना लगा रहता है एंट्रेंस में वहां पे सर्कुलर चिपका दिए सारे पेरेंट्स देख लेंगे अच्छा ऐसा ऐसा है पिकनिक है या दूसरा रास्ता क्या होता है वो आपको लिखवा देते थे किसमें अपनी डायरी वायरी में कि पेरेंट्स को जाके दिखवाना और साइन करवा के लाना बराबर है क्या तो पहला वाला टॉपिक अपन कौन सा करते हैं पिकनिक वाला दूसरा वाला टॉपिक किसके लिए कर लेंगे अपना वो जो इंप्लाइज वाला है ना कि भाई तुम्हारा ट्रैवलिंग एक्सपेंस ज्यादा हो रहा है लिए मीटिंग करना है क्या है दूसरा वो कर लेंगे पहला ये कर लेते हैं ठीक है जी मैं स्क्रीन फुल कर रहा हूं मैं आपसे भी इनपुट एक्सपेक्ट करूंगा और साथ साथ में अपन लिखते जाएंगे चलिए जी शुरू करते हैं जस्ट अ मोमेंट हाँ जी चलिए तो अपन क्या करने वाले हैं भैया सर्कुलर देने वाले हैं एक ही सेकेंड बस आप चलिए बताइए सर्कुलर नंबर कौन सा डालना है ठीक है सर्कुलर नंबर आप बताओ कौन सा डालना है आप बोलो सर्कुलर नंबर क्या डालना है ठीक है चलिए सर्कुलर नंबर अब जैसे कि मैंने आपको बताया था क्या अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या सर्कुलर नंबर दस दो हजार बीस ठीक है सर्कुलर नंबर दस दो हजार बीस अपन ने लिख दिया ठीक और एक बात अब ये सर्कुलर कौन इशू कर रहा है तो चलो कोई से स्कूल का नाम बता दो कोई स्कूल का नाम जैसे हमारे यहाँ एक बड़ा फेमस स्कूल है दिल्ली पब्लिक स्कूल तो पहले अपन यहाँ पर लिख दिए दिल्ली पब्लिक स्कूल ठीक है दिल्ली पब्लिक स्कूल और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बिलासपुर छत्तीसगढ़ क्योंकि ये बिलासपुर में ही है ठीक है और यहाँ पे अपने पास आएगी डेट एक चीज और यहाँ पे अपने को सर्कुलर को थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा ठीक है अब यहाँ पे अपने पास आएगी डेट आज की डेट बोलो भाई आज की डेट क्या है आज की डेट है एक अक्टूबर एक अक्टूबर 2020 हजार या आपने डेट लिख दी यहां पे यह सर्कुलर नंबर हो गया अब देखो आप भेज किस को रहे हो जैसे कि यहां पे अपने पिछले वाले में देखा था तो अपन ने सारे एम्प्लॉय को भेजा था अब यहां पे आप किसको भेज रहे हो पेरेंट को भेज रहे हो तो डियर पेरेंट बराबर है क्या तो डियर पेरेंट ठीक है दिस इज टू इन्फॉर्म चलो आप लोग भी इनपुट देते जाना कि क्या है और देखो एक एक चीज देखो ध्यान से ये देखो मेरा इंटेंशन देखो ये सब एक लाइन में ये सब ऐसे एक लाइन में होना चाहिए आपका ऐसा नहीं सर्कुलर इधर आ रहा है तो पेरेंट इधर आ रहा है ये नहीं होना चाहिए ठीक अब यहां पे अपन देखो क्या करेंगे दिस इज टू इन्फॉर्म दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट क्या इन्फॉर्म करेंगे भाई अपन उनको क्या इन्फॉर्म करेंगे भाई अपन उनको एक बच्चा बोल रहा है सर डेट तो ऊपर रहेगा ना एक बार मैं उसके लिए लाइव आ जाता हूँ भाई देख ऐसा है ये चलेगा अपन ऐसे भी कर सकते ध्यान से सुनना कि ये वाली चीज को अपन क्या कर दे बीच में कर दे यहाँ पे ये बच्चे का कहना है इसको बीच में कर दो ठीक है और सर्कुलर और इसको अपन यहां करें मैंने ऊपर लिख दिया है वो भी चलेगा बट ज़्यादा अच्छा है ये जैसे आप बोल रहे हो ना कि आप पहले सर्कुलर लिखो फिर डेट लिखो और उसके बीच में अपन ये दिल्ली पब्लिक स्कूल लिखेंगे वो भी मैंने ऐसे लिखा है ये भी गलत नहीं है लेकिन आप मॉड्यूल की स्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग फॉलो करो आप बोलो तो एक बार मैं उसको ऊपर नीचे कर ही देता हूँ साथ में इसको ठीक कर ही लेते हैं ठीक है जी चलिए एक ही सेकेंड ये हो गया इधर और ये हो गया इधर और ये हो गया इधर ठीक है जी अभी बराबर है अभी बराबर है सर्कुलर नंबर उधर ये दिल्ली पब्लिक स्कूल बिलासपुर अब यहां से अपन डियर पेरेंट्स करके लेंगे ठीक है जी चलिए फुल स्क्रीन कर देता हूं मैं तुम नया लिख लो ना तुम नया लिख लो पूरा ठीक है तो देखो दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट कि क्या कर रहे हैं अपन दैट द स्कूल द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ पिकनिक ठीक है जी ऑन Saturday, Saturday, अब सैटरडे को अपन एक डेट ले लेते हैं कि भाई मान लो 28 सितंबर है ठीक है 28 सितंबर, 2020, फॉर सपोज एग्जांपल के लिए कौन सी क्लास के लिए ये बताना पड़ेगा तो भाई हम लोग तो बड़े बच्चे हो गए अभी फॉर क्लास व्हाट ट्वेल्थ कर लेते हैं अपन क्लास ट्वेल्थ स्टूडेंट्स ये अपना इंट्रोडक्शन हो जाएगा ठीक है ये अपना इंट्रोडक्शन हो जाएगा कि भाई किस पर्पस के लिए सर्कुलर है तो देखो यहां पे मैंने एक लाइन छोड़ी मैं फिर एक लाइन छोड़ूंगा अब देखो दूसरी बात अपन क्या करेंगे कि भाई पिकअप पॉइंट क्या रहेगा और आपको ले जाना कहां से तो भाई अब पिकअप पॉइंट के लिए अपन ये बोलेंगे इतने समय तक आपको स्कूल में अपने बच्चे को ला छोड़ देना है और कौन से यूनिफॉर्म में होना चाहिए क्या ला सकते क्या नहीं ला सकते ये बराबर है क्या तो सुनिएगा इंश्योर दैट इंश्योर दैट योर वर्ड्स ठीक है योर वर्ड लिख दो ठीक है या आप लिख लो योर चाइल्ड ठीक है आर प्रेजेंट ठीक है आर प्रेजेंट इन स्कूल बाय नाइन ए एम ठीक है बाय नाइन ए एम ठीक है भाई नौ बजे तक ले आना और अपन ये बता देंगे कि भाई जो बसेस है ना वो बसेस छूट जाएगी वो बसेस क्या करेगी वो बसेस छूट जाएगी विल लीव बाय नाइन थर्टी ए एम बराबर है क्या ठीक है और आप क्या कर देना ड्रॉप कर देना अपने वार्ड को या चाइल्ड को योर वार्ड चाइल्ड इन स्कूल प्रिमाइसिस स्कूल प्रिमाइसिस साढ़े नौ बजे बस छूट जाएगी और वापस से आपके बच्चे को छोड़ दिया जाएगा बाय मैं बोलता हूं छः बजे तक शाम को छः बजे तक बराबर है कब आएंगे कब जाएंगे ये बता दिया ठीक है किसी को लगे तो आप जगह का नाम भी बता सकते हो कोई वॉटर पार्क का नाम डाल सकते हो अम्यूज पार्क का नाम डाल सकते हो और स्टूडेंट्स को फिर वापस से छोड़ के स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू ब्रिंग देयर लंच टू ब्रिंग देयर लंच एंड वाटर ठीक है लंच एंड वाटर और यहाँ पे कर दो स्नैक्स स्नैक्स विल बी प्रोवाइडेड बाय स्कूल सस्ता वाला काम खुद प्रोवाइड कर रहे हैं ठीक है और बोले लंच और वाटर खुद लेके आना और साथ में एक मजे की बात जैसे कि जनरली अब आप क्या है बच्चे लोग हैं तो बोले कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स विल बी अलाउड कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गेजेट्स अलाउ नहीं किए जाएंगे ठीक है जितने भी स्टूडेंट हैं ऑल द स्टूडेंट्स शुड बी शुड बी इन प्रॉपर स्कूल यूनिफार्म स्कूल यूनिफॉर्म में होना चाहिए नहीं तो भाई क्या है अपने लड़के चड्डे में आ जाएंगे और अपनी जो बहनें हैं वो स्कर्ट में आ जाएगी भाई, वन पीस में आ जाएगी इसलिए उनको बोला है भैया स्कूल ड्रेस में ही आने का और आईडी कार्ड इज़ अ मस्ट आईडी कार्ड तो लाना ही लाना है ठीक है जी चलिए चलिए कोई प्रिंसिपल अपने कोई अपने प्रिंसिपल मैडम का नाम बताना चाहेगा प्रिंसिपल मैडम या सर का प्रिंसिपल मैडम या सर का नाम बताना चाहोगे आप त्रिपाठी लिख देता हूँ ठीक है ये कौन है प्रिंसिपल आपका नोट डाउन हो जाएगा तो बताना आपका नोट डाउन हो जाएगा तो बताना मुझे और इसी तरीके से मेरे राइटिंग में जाना मत आपको इसी तरीके से लिखना है मेमो ठीक है चलिए हो जाए तो मुझे बताना ये सर्कुलर है बेटा ये सर्कुलर है सब्जेक्ट नहीं होता बेटा सर्कुलर में अपन इंट्रोडक्शन में ही बता देते हैं बस वर्ड लिमिट नहीं है बेटा वर्ड लिमिट नहीं है इसमें कुछ भी वर्ड लिमिट नहीं है ठीक है चलिए अब इसके अलावा ये मैंने आपको एक ड्राफ्ट बताया इसके अलावा अगर आपको पिकनिक का प्राइस बताना है या आपको पिकनिक की जगह बतानी है या पिकनिक में और क्या क्या एक्टिविटीज़ होगी तो उसमें क्या हो जाता है लेंदी हो जाएगा बहुत जगह बताओ ओके प्राइस बताओ ओके क्या क्या एक्टिविटीज़ कराओगे तो भाई कोई इतना थोड़ी डिटेल देना है करके अपने को यहाँ पे कर लेना है ठीक है चलिए तो ये हो गया अपना एक सर्कुलर एक सर्कुलर मैं आपको और करवा देता हूँ ऑफिस वर्किंग आवर्स हाँ तो ऑफिस वर्किंग आवर्स था तो उसकी जगह अपन ने यहाँ पे लिख दिया ना दिल्ली पब्लिक स्कूल लिख दिया यानी कि स्कूल के रिगार्डिंग अपन कुछ दे रहे है? बराबर है क्या अगर आपको यहाँ अगर आप स्कूल नहीं लिखोगे तो कैसे पता चलेगा कि यह सर्कुलर किसका है तो आप अगर आपकी इच्छा चाहे सब्जेक्ट के लिए तो आप दिल्ली पब्लिक स्कूल के नीचे भी लिख सकते हो पिकनिक बराबर है क्या एक अपन और करेंगे ठीक है एक अपन और करेंगे एक अपन और करेंगे जो मैंने आपको बताया था ना एम्प्लॉय वाला कि भाई उनका जो रियम्बर्समेंट वाला है ठीक है ठीक है भाई लाइक कर दो भाई फटाफट लाइक कर दो 124 लोग देख रहे हो 133 लोग देख रहे हो 77 लोग बस लाइक क्यों फटाफट लाइक कर दो ठीक है भाई जितने लोग डेट बोल रहे हैं भाई एडजस्ट कर लो यार अपन तो एग्जांपल के लिए देख रहे हैं यार पता है मेरे को भी वो एक अक्टूबर इधर है यहाँ पे अलग है डेट एडजस्ट कर लो भाई ठीक है चलिए अब ये कंपलसरी और चॉइस वाला कुछ नहीं है टोटल तो पांच क्वेश्चन आते हैं पांच में से अपने को चार बनाने होते हैं वो आपकी चॉइस है चार आपको कौन सा बनाना है कोई एक आपको चॉइस में आता है ठीक है चलिए ये हो गया ये होने के बाद एक अपन और करेंगे ये वाला आपका ये जो मैंने आपको बताया था स्टाफ वाला ठीक है जी चलिए तो एक दूसरा वाला कर लेते हैं जिसमें अपन स्टाफ को सर्कुलेट कर रहे हैं ठीक है जी चलिए अब कंपनी का नाम डाल देते हैं बोले फॉर सपोज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ठीक है जी मुंबई डाल देते हैं यहाँ पे जस्ट अ मोमेंट ठीक है जी सर्कुलर नंबर देख लेते हैं क्या है सर्कुलर नंबर ठीक है सर्कुलर नंबर आप अपने हिसाब से डाल लेना दस दो हजार बीस ऐसा कर लो डेट डाल लेना अपने हिसाब से ठीक है एक अक्टूबर दो हजार बीस बीच में अपन ने लिख लिया रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड मुंबई अब और भी इसमें किसी को अगर सब्जेक्ट लिखना है तो सब्जेक्ट आप बीच में डाल सकते हो जैसे कि वो रिइंबर्समेंट के बारे से बात हो रही है ना तो अगर आपको डालना हो तो आप डाल सकते हो री एम्बर्समेंट ऑफ ऑफिशियल ट्रैवल करके जैसे सब्जेक्ट यहाँ पे री एम्बर्समेंट ऑफ ऑफिशियल ट्रैवल ये हो जाएगा अपना सब्जेक्ट फिर ये अपन लिख किसको रहे? ये अपन लिख रहे हैं स्टाफ को एक सेकंड रुकना थोड़ा सा नाटक करने लग गया लैपटॉप ठीक है जी चलिए रि एंबर्समेंट ऑफ ऑफिशियल ऑफिस ऑफिशियल ट्रेवल और उसके बाद अपन लिख किसको रहे हैं तो लिख रहे हैं अपन किसको स्टाफ को डियर स्टाफ ठीक है स्टाफ को ये बता रहे हैं कि भाई इट हैज बिन ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ मैनेजमेंट दैट देर हैव बिन सम इशूज दैट देव बिन समूज क्यों इशूज हो रहे भैया आपके रि एम्बर्समेंट में आप ज्यादा ज्यादा पैसा बता रहे हो और एक्चुअल में उतना खर्चा हो नहीं रहा है रिगार्डिंग रि एम्बर्समेंट ऑफ ऑफिशियल ट्रेवल ऑफ एम्प्लॉयज ठीक है और इसी के लिए हैंस हैंस वी हैव प्लांट अ मीटिंग वी हैव प्लांट अ मीटिंग इसके लिए अपन ने एक मीटिंग रखी है कब रखी है आज ही रखी है टुडे आफ्टर ऑफिस आर्स आफ्टर ऑफिस आर्स भाई ऑफिस ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आ जाना एक बार आठ बजे से ले कर बजे से ले कर नाइन पी तक अपनी मीटिंग चलेगी ताकि अपन क्या कर सके रिजॉल्व कर सके भैया जो आपका डिस्प्यूट है और पर किलोमीटर के हिसाब से अपन खर्चा बांध देंगे एंड क्लेरिफाई द टर्म्स एंड कंडीशन क्लेरिफाई द टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर सच ट्रैवल री एम्बर्समेंट ट्रैवल री एम्बर्समेंट ठीक है जी और आपको साथ में ये बताना है कि भाई जितने भी लोग हैं इट इज कंपल्सरी फॉर ऑल द स्टाफ टू अटेंड द मीटिंग टू अटेंड द मीटिंग ठीक है जी यहां पे आप लिख दोगे मैनेजर और मैनेजर करके आप यहां पे नीचे उसका नाम लिख दोगे अर्जुन ठीक है जी चलिए फटाफट इसको नोट डाउन करिए फिर आप लोग के जितने भी डाउट है वो सारे डाउट मैं आपके एड्रेस करूंगा फटाफट पहले इसको नोट डाउन करो फिर आपके जितने भी डाउट्स हैं मैं सब एड्रेस करूंगा हो जाएगा नोट डाउन तो बताइएगा ठीक है सुनिए चलिए भैया एक तो ना मैं पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जिनको रोना धोना है प्लीज़ आप जा सकते कोई दिक्कत नहीं मेरे को रोना धोना मेरे को नहीं करना सर प्लीज़ अपलोड कर देना सर ये यूट्यूब में रहेगा कि हट जाएगा भाई जो मिल रहा है वो लो बाकी मैं सोचूंगा समझूंगा क्या करना है दुखी आत्मा लोग भैया दूर रहो लेक्चर से ठीक है पहली चीज़ दूसरी बात जो बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा है ठीक है जो बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा है सुमित गुप्ता आ रहा है बोले सर सर्कुलर एंड नोटिस लास्ट बार पूछ रहा हूं सर बता रहा हूँ भाई बता रहा हूँ भाई देखो जो नोटिस होता है जो नोट मैं पहले ही बताया कि सर्कुलर वो होता है जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन रहता है नाइनटी नाइन पॉइंट नाइन नाइन परसेंट सर्कुलर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन रहेगा बराबर है क्या नोटिस कब दिया जाता है नोटिस या लेटर कब दिया जाता है जब आपको किसी को बाहर कुछ बताना है या अपने कुछ बाहर वाले लोगों को कुछ करना है तो वो नोटिस के लिए यूज होता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है तो सर्कुलर है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है तो मेमो 99.99 नाइन पॉइंट गंभीरता देखो परसेंटेज देखो सर्कुलर की 99.99 नाइन .99%, पॉइंट ठीक है जी वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन रहेगा अगर आप देखोगे तो एक स्कूल वाला पॉइंट जीरो वन परसेंट था जो मैंने कराया एक आपको दिमाग में एक थीम क्रिएट करने के लिए उसके पहले अगर आप देखोगे तो अपन ऑफिस आर्स बता रहे थे उसके पहले अपन ने क्या बताया ऑफिस आर्स बताया और अभी अपन ने क्या बताया कि भाई ये ट्रैवल में जो आपका ना आपका खर्चा ज़्यादा आ रहा है मैनेजमेंट कम निकाल रहा है तो जो भी इशू आओ सॉल्व कर लेते फिर एम्प्लॉइज के लिए था हो सकता है हो सकता है एक ऐसा भी है मेरे ख्याल से मॉड्यूल में ही है जिसमें आप ये बताओ कि ड्रेस कोड क्या रहेगा सारे स्टाफ को बता दो कि ड्रेस कोड क्या है क्यों कोई कॉलर वाली टी शर्ट पहन के आ रहा है कोई वन पीस पहन के आ जा रहा है कोई शॉर्ट्स पहन के आ जा रहा है तो अपन ने सर्कुलेट कर दिया कि भैया ये ड्रेस कोड रहेगा 99.99% नाइन पॉइंट सर्कुलर और मेमो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन के लिए है जो नोटिस होता है जो लेटर होता है वो आउटसाइडर के लिए भी होता है ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ ठीक है जी ये हो गई पहली चीज अब जिन बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा है जिन बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा है ठीक है कि सर उसमें सब्जेक्ट क्यों नहीं इधर क्यों नहीं आप लोग आप लोग थोड़ी अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करो ऐसा मतलब मैंने बोला कि भाई यहाँ पे ये आएगा वहाँ पे ही आएगा माना थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाना चाहिए अपन ने ये ग्यारहवीं बारहवीं में भी ये सारी चीज़ पढ़ी हुई है अब समझिए मेरी बात ठीक है अब यहाँ पे ऐसा हुआ कि बच्चे ने मेरे को बोला इधर वाले में बच्चे ने मेरे को इधर बोला कि सर्कुलर और वो उधर आएगा ठीक है चलिए मॉड्यूल में ऐसा दिया हुआ है लेकिन मैं अगर प्रैक्टिकली अगर आपको बोलूँ प्रैक्टिकली दिल्ली पब्लिक स्कूल अगर पहले आ जाए और उसके नीचे सर्कुलर और इधर डेट आ जाए किसी के बाप का कुछ भी नहीं बिगड़ता है किसी के बाप का कुछ भी नहीं बिगड़ता है तो ठीक है अपन मॉड्यूल को फॉलो कर रहे हैं तो बीच में अपन ने लिख दिया दिल्ली पब्लिक स्कूल और ये उधर अब एक बच्चे का आया सर यहाँ पे सब्जेक्ट क्यों नहीं लिखा सब्जेक्ट क्यों नहीं लिखा तो मैं अगेन बोल रहा हूँ सब्जेक्ट आप दिल्ली पब्लिक स्कूल के नीचे भी लिख सकते हो तो एकदम सबके डाउट क्लियर हो जाए मैं पहले आपको एक फॉर्मेट बता ही देता हूँ पहली बात यहाँ पर आप सब्जेक्ट लिख देना पिकनिक ठीक है अपन ने नहीं लिखा है आप लिख देना यहां पे पिकनिक जैसे अपन ने वर्किंग आवर्स के लिए लिखा था ठीक है तो यहां पे दिल्ली पब्लिक स्कूल ये एक स्कूल हो गया बिलासपुर छत्तीसगढ़ उसके नीचे आप लिख देना पिकनिक ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट पिकनिक फॉर स्टूडेंट्स तो एक चीज आप इसके नीचे लिख लेना पिकनिक फॉर स्टूडेंट्स ठीक है जी चलिए अब उसमें से एक रोतला बंदा अपना कौन है उमेश सर ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या लिखने की ज़रूरत है सर वो तो एम्प्लॉयज को पता ही होगा भाई तू मत लिखना तू मत लिखना भाई रोने का नहीं है भाई बिल्कुल रोने का नहीं है ठीक एक बच्चा बहुत देर से रोए जा रहा है बहुत देर से रोए जा रहा है इतना रो रहा है क्या बताऊं सर कंपलसरी क्वेश्चन है क्या कंपलसरी क्वेश्चन अब पहले से क्लास अटेंड किए नहीं उसमें मैं बताया हुआ था कि कौन सा कंपलसरी कौन सा नहीं है भाई इसमें सिर्फ क्वेश्चन नंबर वन कंपलसरी होता है अब भाई अब तुमको ये भी नहीं पता नवंबर में तुम एग्ज़ाम देने जाने वाले हो तुमने पीछे पेपर ही नहीं उठा के देखा है तुमको यही नहीं पता क्या कंपलसरी नहीं है आप किसी अंतरिक्ष के दूसरे गोले से आए हुए हो आप पीके मूवी के आमिर खान हो उसने तो फिर भी रेडियो रखा था आप रेडियो भी नहीं रखे हो ऐसे ही आ गए हो ठीक है चलिए तो सुनना मेरी बात सुनना मेरी बात तो आपका फॉर्मेट मैं आपको बता दूँ आपका फॉर्मेट मैं आपको बता दूँ कि भाई एकदम क्लियर बोल रहा हूँ मेरे को दोबारा मत बोलना कन्फ्यूज हो रहा है ये हो रहा है करके मैं पहले ही बता देता हूँ ठीक है सबसे पहले आप यहाँ पे लिख, लिख लिए सर्कुलर उसके एकदम साथ में लिख लोगे डेट बीच में आप लिखोगे जो भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वो और उसके नीचे सब्जेक्ट क्लियर है यहाँ तक कि क्लियर है कि नहीं थम्स अप करो मेरे को थम्स अप करो मेरे को ठीक है थम्सअप करो हाँ सार्थक मेरे भाई सिर्फ सब्जेक्ट लिखेगा तो भी चलेगा जैसे सैंपल में था अरे ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखो नहीं लिखो ये आपके ऊपर है यार ये कॉमन सेंस होती है यार अपनी लेकिन तुम क्या है ना सर ने बोला है नहीं लिखना है तो नहीं लिखना है तो लिखे कैसे ऐसा वाला है तुम्हारा मतलब अपना बुद्धि लगाने का तुमको आदत ही नहीं है समझे क्या थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना होता है ये हो गया फिर ये हो गया ठीक उसके बाद क्या यहां पे जिसको भी लिख रहे हो यहां मैंने डियर पेरेंट लिखा स्टाफ को लिख रहे हो तो डियर स्टाफ एम्प्लॉय को लिख रहे हो तो डियर एम्प्लॉयज पहला वाला इंट्रोडक्शन रहेगा कि भाई किस बारे से बात हो रही है फिर बीच में अपनी कुछ बॉडी आ जाएगी और लास्ट में अपना क्या आ जाएगा कंक्लूजन आ जाएगा बराबर है क्या ये इस तरीके से थोड़ा सा अपना भी बुद्धि अपने को लगाने की आदत होनी चाहिए समझ में आई क्या बात अब और क्या होता है आपको पता है क्या अब और क्या होता है आपको पता है क्या जैसे कि ना चल रहा है भाई क्लास चल रही है किसी बच्चे को कुछ डाउट नहीं भी आएगा तो दुखी आत्मा लोग कुछ नया नया डाउट पूछ देते हैं वो बच्चे को लगता है हाँ यार ये भी तो डाउट है समझे क्या अभी एक बच्ची को है वो दिशा महाजन करके मैंने देखा चार पांच लोग के डाउट आया ना तब उसने मैसेज भेजा कि सर मेरे को भी कंफ्यूजन हो रहा है करके उसके पहले उसको नहीं हो रहा था तो भैया मेरे दुखी आत्मा लोग पहले मेरे को कंप्लीट कर लेने दिया करो मैं सब बताएगा मैं इसलिए बैठा हूँ यहाँ पे मैं इसलिए बैठा हूँ बीच बीच में आ ऐसा कैसे वैसा कैसे इसकी माँ का कैसे उसकी माँ का कैसे अरे बता रो भाई बता रहो सबर करो थोड़ा सा थोड़ा सबर करो बोलता ना भाऊ अब थोड़ा सबर करो आराम से ठीक है चलिए हाँ ठीक है अभी एक ये हो गया ये सारी चीज़ें ठीक है चलो अब उसके बाद देखो ये ये अपना वही फॉर्मेट जो ऊपर बताया ना करेक्शन वही पहले सर्कुलर आ गया ऑर्डर डेट आ गई बीच में रिलायंस इंडस्ट्री फिर सब्जेक्ट लिख दिए स्टाफ लिख दिए हाँ ठीक है अभी मेरे को बताओ अभी सबको क्लियर हो गया तो थम्सअप मारो ठीक है अभी सबको क्लियर हो गया तो थम्सअप मारो फटाफट भट। अभी सबको क्लियर हो गया तो थम्सअप मारो चलिए बहुत बढ़िया ठीक है चलो और थोड़ा सा देख लेते हैं और थोड़ा सा देख लेते हैं ठीक है तो ये वाला एक अपन ने सर्कुलर देखा ठीक है ये सर्कुलर हो गया दो मैंने आपको प्रैक्टिस करा दी मेरे ख्याल से एक थीम क्रिएट हो जाएगी कि कुछ भी अगर ऐसा पूछेगा तो अपने को लिखना कैसे है बराबर है क्या पिछले चार साल के जो पेपर है उसको भी एक बार देख लेना किस टाइप का सर्कुलर पूछा है जितने ज़्यादा प्रकार आप अपने आँख के पास से निकालोगे और पढ़ के निकालोगे उतना ज़्यादा वहाँ पर करने को मिलेगा आपको लिखने को मिलेगा ये ऐसी चीज़ें हैं लेटर हो गया सर्कुलर हो गया मेमो हो गया कि भाई फॉर्मेट ध्यान रखो बीच में तो आपको अपने से ही लिखना है यू हैव यू हैव नो ऑप्शन कि आप उसको पढ़ के चले जाओ वर्ड टू वर्ड लिख दो यू हैव नो ऑप्शन ओनली ऑप्शन इज अगर आपको इसमें स्कोर करना है तो एटलीस्ट आपको दो दो तीन तीन, तीन बार हर एक चीज को निकाल के रखना है और मजे की बात मैं हर बार क्यों बोलता हूँ कि बी सी आर लड्डू है लड्डू है लड्डू एट द रीज़न बींग आप अगर गौर फरमाइए आप अगर गौर फरमाइए आपको एक दिन की छुट्टी मिलती है एग्जाम में ठीक है जी मिल गई आपको एक्चुअल में पढ़ना क्या है आप बी का क्या पैसेज रटते बैठोगे आप क्या लेटर रटते बैठोगे ओनली थिंग यू हैव टू डू इज टेक अ ग्लिम्स ऑफ द फॉर्मेट अच्छा सर्कुलर में ऐसा होगा अच्छा मेमो में ऐसा होगा उसमें मेरी कुछ कुछ ऐसे बीच बीच में, में मेरी भड़ास भी तुमको यहाँ सर ने उसमें ऐसे ना उमेश को टारगेट करके ऐसे बोला था तो याद आ जाएगा वो तो मेमो का फॉर्मेट देख लिए सर्कुलर का फॉर्मेट देख लिए लेटर का फॉर्मेट देख लिए रिज्यूमे का फॉर्मेट देख लिए पैसेज का क्या करोगे पैसेज रट के जाओगे पैसेज की सिर्फ प्रैक्टिस ही है आपको अल्टीमेटली पढ़ना कितने मार्क्स का है सिक्सटी मार्क्स का एक दिन की छुट्टी है बाकी सब्जेक्ट आप पूरा हंड्रेड का पढ़ोगे लेकिन पढ़ने वाली चीज़ ये वाले में सिर्फ सिक्सटी मार्क्स का है बाकी तो आपको पलटाना है सिर्फ फॉर्मेट अपने दिमाग में रखना है समझे क्या तो उसके लिए ही मैं आपको क्या बोल रहा हूं यही मेरी स्ट्रैटेजी थी कि लास्ट लास्ट में बी शुरू करूंगा तो कम्युनिकेशन याद हो जाएगा जो याद करने वाली है कम्युनिकेशन के अलावा मेरे को बता दो ना कौन सी चीज याद करने वाली है इसमें मेरे को एक चीज बी के वाले में बता दो कम्युनिकेशन वाले चैप्टर को छोड़ के कौन सी चीज याद करने वाली है फॉर्मेट ध्यान में रखने वाली बस चीज है बाकी याद कुछ नहीं करना एक स्ट्रक्चर दिमाग में रखना है समझ में आई क्या बात ठीक है जी तो आप ये बात समझ लो कि आपको जितने ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलर फॉर्मेट आप अपनी नज़र से निकालोगे एक आध बार हाथ चला लो उसमें कि यार मैं लिख पा रहा हूँ कि नहीं वहाँ पे पहले क्वेश्चन पढ़ लो खुद ही उसका आंसर करो फिर आंसर चेक करो उसमें क्या लिखा है तो इट विल बिल्ट योर प्रैक्टिस जब तक सेल्फ एफर्ट नहीं डालोगे तब तक कुछ होगा नहीं और ऐसा नहीं है बी में लॉ में भी मैथ्स में भी अकाउंट्स में भी मास्टर ने करा दिया सब करा दिया जब तक आप खुद से नहीं डालोगे तब तक कुछ होता नहीं है तो आपको पढ़ना एक्चुअल में याद करना रिवाइज करना वो सिक्सटी मार्क्स का ही है बराबर है बाकी की चीजें तो आपको इसमें फॉर्मेट में ही है फॉर्मेट देख लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स देख लिए कि और किस टाइप के मेमो सर्कुलर पूछ सकते हैं सबका अपने को थोड़ा 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 बॉडी याद है लिखा है वहां पे बाकी तो ठीक ही है सारी चीजें है कि नहीं चलिए तो ये हो गया ऑफिस ये क्लियर है आपको कि भैया जो सर्कुलर और मेमो होता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है बाकी सब बाहर के लिए होता है ठीक है जी चलिए आगे बढ़ते हैं अपन आगे ठीक मेमो में आ जाते हैं अपन ठीक है मेमो में आ जाते हैं ठीक है सरजू भाई बोल रहा है सर एग्जाम जैसे जैसे क्लोज आ रहे हैं माइंड ब्लैंक होते जा रहा है बेटा तू अकेले नहीं है ऐसे बहुत सारे लोगों का माइंड ब्लैंक हो गया है नशा चढ़ चुका है एग्जाम फीवर इज ऑन तू अकेला नहीं है बेटा नॉर्मल चीजें हैं लेकिन अपना हौसला रख बेटा हौसला रख और जितने भी बच्चों सब हौसला रखो हिम्मत रखो खुद के ऊपर भरोसा ये पहली जीत है खुद के ऊपर भरोसा ये पहली जीत है अगर डरते बैठोगे अगर डरते बैठोगे तो डरते ही रह जाओगे एनर्जी बनाओ यार एनर्जी बनाओ बोले एग्जाम ही तो है जान थोड़ी ले लेगा ले ठीक है जी एनर्जी बनाओ एग्जाम ही है जान थोड़ी ले लेगा ले चीर फाड़ मचा देंगे फिर देखो मैं थोड़ी थोड़ी एनर्जी देते भी रहूँगा बीच बीच में ठीक है तो तू अकेला नहीं बेटा सबका हाल वैसे ही है ठीक है चलिए सुनना मेरी बात अब मैं आता हूं मेमो में मेमो क्या बोलता है मेमो को यूज किया जाता है एज अ मीन्स ऑफ ऑफिशियल कम्युनिकेशन विद इन अ कंपनी और एन ऑर्गेनाइजेशन इवन सर्कुलर भी लगभग लगभग उसके लिए यूज होता है मेमो का क्या बोला ऑफिशियल कम्युनिकेशन विद इन अ कंपनी और एन ऑर्गेनाइजेशन ठीक है जी अब मेमो का मतलब क्या होता है मैं फिर बोल रहा हूं ये थ्योरी बस आपको ये बताने के लिए मेमो होता क्या है ये नहीं पूछेगा बताओ क्या होता है मेमो लिखो करके ठीक है तो मेमो का मतलब होता है मेमोरेंडम और मेमोरेंडम का मतलब होता है कुछ रिमाइंड करवाना याद दिलवाना फ्रीक्वेंटली यूज टू इन्फॉर्म द पीपल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कुछ पॉलिसी बतानी है कुछ प्रोसीजर बताना है बराबर है क्या इट इज़ ऑफन एंड रिटर्न फ्रॉम वन टू ऑल परस्पेक्टिव एक से सबको जाएगा मेमो कुछ रिमाइंड कराना कुछ बताना बराबर है इसको इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम भी बोलते हैं कि कुछ जानकारी देना ठीक है तो ये आपको पूछने वाला नहीं है ठीक चलिए अब मेमो में क्या क्या होता है भैया कि बोले आप रिमाइंड कराते हो हाईलाइट कराते हो रिकाउंट कराते हो रिकॉर्ड रखते हो इन्फॉर्म करते हो इंस्ट्रक्ट करते हो ब्रीफली ये सारी चीजें तो ये थ्योरिटिकल पॉइंट है एक ये समझने के लिए कि मेमो होता क्या है अल्टीमेटली देखो मेमो ये है किधर रे बाबा ठीक है अच्छा और एक बात सर्कुलर तो सर्कुलर तो ऐसा है कि सर्कुलर कभी 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 किसी और पर्पस के लिए भी यूज हो जाता है सर्कुलर जैसे कि मैंने बोला ना मोस्ट ऑफ द केस में विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है और कुछ सिचुएशन में वो बाहर के लिए भी यूज़ करता है अभी अगर आपने तीन देखे तीन में देखोगे तो दो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन थे और एक बाहर के लिए था जो स्कूल वाला था मेमो तो भाई जाइ का ही नहीं बाहर ये विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ही है मेमो बना ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही बनेगा बाहर वालों के लिए हिच नहीं क्लियर है ठीक चलिए तो अब मेमो टिपिकली हैज फाइव फंक्शन करो फाइव फंक्शन अपन देख लेंगे रिमाइंड कराना हाईलाइट कराना रिकाउंट तो क्या रिमाइंड कराओगे क्या हाईलाइट कराओगे क्या रिकाउंट कराओगे क्या रिकॉर्ड रखना है मैं सब का एक 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 तुमको उदाहरण दे दूंगा एक करवा के भी लूंगा ठीक सुन है सुनने का मेरी बात तो देखो सैंपल नंबर पहला देख रहे हैं पहले सैंपल देख लेते हैं मॉड्यूल का एक आइडिया ले लेते हैं फिर अपन अपना लिखेंगे क्या बोल रहा है एक मेमो लिखो इन्फॉर्म करो ऑफिस मैनेजर को अबाउट द परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर ऑफिस मैनेजर है ना उसको ये इन्फॉर्म कर दो मैंने बोला ना इसको इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम भी बोलते हैं इन्फॉर्म करना तो भाई ऑफिस का जो मैनेजर है उसको हम इन्फॉर्म कर रहे हैं कि भाई हमने ऑफिस फर्नीचर के लिए ऑर्डर दे दिया है वो फलाने समय में आ जाएगा सर क्यों इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं अरे हो सकता है ये जो मैनेजर है ऑफिस का उसने जो हेड है या उसके ऊपर जो और सीईओ या कोई होगा जिसको बोला होगा कि भाई ऑफिस में इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है तो ज़रूरत है तो उसने सुन लिया होगा ऑर्डर भी कर दिया होगा तो इसको इन्फॉर्म कर रहा है इसको बता रहा है कि हमने ऑर्डर कर दिया है इतनी तारीख तक आ जाएगा सिंपल ठीक है और मैं और प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपको आ जाएगा ठीक है जी सुनिएगा एबीसी टेक्नोलॉजी लिमिटेड कंपनी का नाम उसका एड्रेस और लिखना इंटर ऑफिस मेमो इंटर ऑफिस यानी कि विद इन द ऑफिस है इंटर ऑफिस मेमो तो ये फॉर्मेट देखो कैसा है ये एक साथ है एक लाइन छूट के फिर इंटर ऑफिस मेमो है फिर क्या है? देखो डेट 25 जुलाई किसको को लिख रहा हूँ डेट के बाद देखो फिर जगह छूटी यानी कि एक लाइन छोड़ना है टू किसको ऑफिस मैनेजर फ्रॉम अशोक रेड्डी परचेस ऑफिसर है इसका ही काम है परचेस करने का तो फर्नीचर परचेस करके इसने बता दिया ऑफिस मैनेजर को ठीक है रेफरेंस टू वन सिक्स बी एम अभी जो रेफरेंस होता है ना ये रेफरेंस हर कंपनी का अपने अपने हिसाब से रेफरेंस होता है लाइक like, अगर मैं इसको गैस करूँ अगर मैं इसको गैस करूँ फॉर सपोज एग्जाम्पल के तौर पे कि ये क्या होगा करके चलो इसको भी नहीं करता मैं ये हटा देता हूँ अगर मैं रेफरेंस की बात करूँ मान लो मीटिंग uh, में ये डिसाइड हुआ था मीटिंग में ये डिसाइड हुआ था कि एक फर्नीचर अच्छा खासा लेना है तो कौन सी मीटिंग थी एनुअल जनरल मीटिंग थी सिक्सटीन एनुअल जनरल मीटिंग थी तो रेफरेंस में दे देंगे ऐसे स्लैश करके AGM. अच्छा वो वो जो एनुअल जनरल मीटिंग थी ना वहाँ पे वो वहाँ पे रेफरेंस कि डिसाइड हुआ था कि ऑफिस फर्नीचर को परचेस करना है तो उसके ही बारे से मैं आपको बता रहा हूं तो ये आप रेफरेंस ना अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हो ये एक सैंपल के तौर में आपने को दिखाया है बराबर है क्या तो रेफरेंस ये हो गया सब्जेक्ट सब्जेक्ट में एक लाइन छोड़ के रेफरेंस के बाद परचेज ऑफ ऑफिस फर्नीचर तो देखो यहां पे देखो बोला है एज डिजायर्ड जैसे कि आपको चाहिए था ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ ऑफिस फर्नीचर जैसे कि चेयर टेबल सोफा सेट अपन ने लगा दिया है शिव शक्ति फर्नीचर मार्ट के पास किरबी प्लेस न्यू दिल्ली और जो चेयर टेबल्स है वो सप्लाई होंगे मल्टीपल लॉट्स में एक बार में नहीं आएंगे तो रोना धोना मत करना उमेश के जैसे नहीं सर आधा आया कर दिए ऑर्डर आ जाएगा ठीक है ऑर्डर विल बी कंप्लीटेड इन टेन डेज कर दिया रिमाइंड कर दिया मेमो दे दिया समझ में ही क्या बात? एक ये हो गया दूसरा 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 क्या बोल रहा है देखो समृद्धि बैंक लिमिटेड समृद्धि बैंक लिमिटेड उसका एड्रेस फिर इंटर ऑफिस मेमो क्या लिखा है डेट डेट के बाद फिर ये तो पूरा सेम है किसको भेज रहे हो कौन भेज रहा है रेफरेंस अब देखो यहां पे एलटी लिखा है अभी एल टी का क्या रेफरेंस है ये वही समझेगा जहाँ से इसको उठाया गया है समझ में आए के बाद एक ही सेकेंड ना एक ही सेकेंड बस जी ठीक है उसके बाद अपने को देखो क्या बोल रहा है सब्जेक्ट अप्रेजल ऑफ कैशियर डिसमिसल कैशियर को निकाल दिया गया है भाई रिमाइंड करवा रहे मेमो करा रहे देखो दिस इज टू तो इन्फॉर्म यू दैट ऑल दैट एक्स वाई जेड जो कैशियर था उसको हमने सस्पेंड कर दिया है मिसअप्रोप्रिएट कर रहा था फंड को मिसअप्रोप्रिएट कर यानी कि पैसे की हेर फेर कर रहा था जितने भी कंसर्न उनको रिक्वेस्ट किया जाता है कि भाई उससे ट्रांजेक्शन ना किया जाए बैंक अथॉरिटीज विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी सॉर्ट ऑफ मिस ठीक है जी थम्स अप करिए थम्स अप करिए तो फिर आगे बढ़ते ठीक एक ड्रेस कोड वाला भी था यार वो किधर चले गया ड्रेस कोड वाला वो ड्रेस कोड वाला किधर है जी चलिए ये तो हो गया अपन ये लिख भी लेते देखो एक एक्सरसाइज दी हुई नीचे ये एक्सरसाइज अपन कर लेते हैं देखो ये देखो ये एक्सरसाइज दी एक एक्सरसाइज अपन कर लेते हैं इसमें देखो और ये जितने भी नीचे हैं आप इसको ट्राई जरूर करना जरूरी नहीं कि इसमें से आएगा ये आपको जानकारी देगा और कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं अभी सुनना मेरी बात इसका एक एक्सरसाइज हम लोग करके लेते हैं देखो क्या लिखा हुआ है आप सेल्स हेड हो अपनी कंपनी का आपकी कंपनी का नाम है ओवरसीज इंटरनेशनल आप क्या हो सेल्स हेड हो ठीक है जी आपने डिस्पैच किया है हंड्रेड इंपॉर्टेंट लेटर्स टू योर ब्रांच ऑफिस यूजिंग द सर्विस ऑफ योर कोरियर नहीं ये तो कुछ अलग ही दिया हुआ है इसको रहने दो एक और था हाँ ये वाला वो किधर गया यार एक बहुत अच्छा वाला था यार वो लिखवाना था मेरे को कि रेस्टोरेंट ओपन हो रहा है तो मेमो कर रहे हैं एक ही सेकेंड बसा जस्ट अ मोमेंट हाँ जी सुनिएगा वो जो रेस्टोरेंट वाला है ना जो मैं आपको बोल रहा था वो आगे आएगा मेल में जो आज ही अपन करेंगे वो आगे आएगा मेल वाले में अभी नहीं है इसमें अभी अभी मैं आपको दो मेमो और कराऊंगा जानकारी के लिए कि मेमो कैसे लिखते हैं तो एक मेमो का सब्जेक्ट ये रहेगा ध्यान से सुन के लेना सब्जेक्ट क्या है जब अपन मेल में जाएंगे ना इसके बाद अपन मेल्स करने वाले मेल्स में वो रेस्टोरेंट वाला है तो रेस्टोरेंट वाला जब अपन पढ़ेंगे तो ये मेमो में भी कवर हो जाएगा मेल में भी कवर हो जाएगा तो एक तीर से दो निशाने हो जाएंगे अभी अभी अपने को मेमो में दो मेमो करके लेने हैं एक मेमो ऐसा है कि भाई ऑफिस है ऑफिस का जो प्रिंटर है ना वो प्रिंटर आउटडेटेड हो गया तो आउटडेटेड हो गया तो नया प्रिंटर की बहुत सारी डिमांड हो रही थी क्योंकि पुराने प्रिंटर से सारे काम नहीं होते बहुत स्लो प्रिंटिंग होती है तो भैया एक प्रिंटर है जिसमें पूरा ऑफिस चलता है अब वो प्रिंटर नया आने वाला है नया इंस्टॉल होगा थोड़ा सा टाइम लगेगा तो अपने को ऑफिस के लोगों को ये बताना है कि भैया नया प्रिंटर आ रहा है पुराने वाले को हटाया जा रहा है तो उस बीच में अगर आपको कुछ प्रिंटर का काम है तो पहले निपटा लो उस बीच में नहीं होगा और किसी को एकदम ही अर्जेंट उस समय लगने वाला है तो पहले से बता दो ये मेमो अपने को करवाना है किसके लिए ऑफिस के लिए एक ये वाला मेमो है आइए उसको लिखते हैं फॉर्मेटिंग में ध्यान ध्यान में आपके साथ हो जाएगी ठीक है फुल स्क्रीन कर रहा हूं लिखते हैं ठीक है जी चलिए अपनी कंपनी का ही नाम डाल देता हूं मैं यहां पे मतलब जो कंपनी बनने वाली है मेरी एक्ट लिमिटेड ठीक है जी एड्रेस बता देते कहाँ पे, कहाँ पे कर दे भाई एड्रेस केपी में खुलवा दें कि नवी पेट में खुलवा दें नवी पेट पुणे बराबर है और अपन लिख देते हैं क्या इंटर ऑफिस मेमो ठीक है जी डेट लिख लेते हैं भाई आज की एक अक्टूबर 2020 किसको भेज रहे हैं भाई ऑल एम्प्लॉयस फैकल्टीज स्टाफ ठीक है जी फ्रॉम किससे आ रहा है भाई फ्रॉम आ रहा होगा ठीक है मिस्टर प्रकाश प्रकाश कौन है भैया मैनेजर है मेरी कंपनी में ठीक है जी रेफरेंस क्या दे दें अपन रेफरेंस अपन दे देते भैया ए जी एम में चौथी ए जी एम का सब्जेक्ट लिख लेते हैं भाई सब्जेक्ट में क्या लिख लेंगे बोलो आप लोग क्या सब्जेक्ट लिख सकते अपन ऑफिस प्रिंटर बीइंग रिप्लेस्ड टुमारो बीइंग रिप्लेस्ड टुमारो ठीक है जी ये हो गया अपना अब यहाँ से अपन शुरू करेंगे ये इंट्रोडक्शन पैराग्राफ रहेगा पहले कि भैया न्यू ऑफिस प्रिंटर जो है ये क्या हो रहा है इंस्टॉल होने वाला है इज़ बीइंग इंस्टॉल्ड टुमारो ठीक है जी रिप्लेसिंग द एग्जिस्टिंग वन ठीक और जो एग्जिस्टिंग वाला है एग्जिस्टिंग प्रिंटर जो है वो क्या है इनएडुकेट हो गया है काहे के लिए इनएड्युकेट हो गया है भाई फॉर मीटिंग द करेंट नीड्स आउटडेटेड हो गया क्योंकि ठीक है जी चलिए ये एक हो गया और जो एग्जिस्टिंग प्रिंटर है अब एक लाइन छोड़ के द एग्जिस्टिंग प्रिंटर विल बी रिमूव्ड विल बी रिमूव्ड एंड द न्यू प्रिंटर एंड द न्यू प्रिंटर विल बी इंस्टॉल्ड टूमोरो तो कब इंस्टॉल होगा भाई बिटवीन बारह बिटवीन ट्वेल्व पी एम टू वन पी एम ये टाइम बता दें कि भाई इस टाइम में आपको प्रिंटर अवेलेबल नहीं होने वाला है ठीक है ड्यूरिंग विच प्रिंटिंग ऑफ एनी डॉक्यूमेंट्स प्रिंटिंग ऑफ एनी डॉक्यूमेंट्स विल नॉट बी पॉसिबल विल नॉट बी पॉसिबल ठीक है लेकिन ये बताना है कि देखो भाई जो इंस्टॉलेशन हो रहा है वो तो लंच टाइम में हो रहा है तो बोले हाउ एवर सिंस द इंस्टॉलेशन सिंस द इंस्टॉलेशन कब होने वाला है विल अकर कब ड्यूरिंग लंच लंच के समय होने वाला है भाई तो इट शुड नॉट पोज मच ऑफ अ प्रॉब्लम इससे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि लंच टाइम में ठीक है जी इसके साथ साथ अपन ये बताएंगे कि अगर इन केस इफ यू रिक्वायर द प्रिंटर अगर आपको प्रिंटर की ज़रूरत है फॉर एनी एनी वाइटल लिख लो चाहे नेसेसरी लिख लो जरूरी रीज़न के लिए नेसेसरी रीज़न ड्यूरिंग द टाइम ड्यूरिंग द टाइम बोलो या ड्यूरिंग सच टाइम बोलो <coughs> प्लीज़ सेंड मी एंड ई मेल कि भैया मेरे को ई मेल भेज दो कि आपके लिए मैं ना कुछ अल्टरनेट बंदोबस्त करवा के रखो एट अर्जुन डॉट छाबड़ा जीरो सेवन ऐट द रेट जी मेल डॉट कॉम बिफोर फाइव पी एम टूडे ठीक है एंड वी कैन मेक न्यू अरेंजमेंट एंड वी कैन मेक न्यू अरेंजमेंट्स आपके लिए अलग से बंदोबस्त करवा दिया जाएगा ठीक है यहां पे अपन लिखेंगे सिंसियरली और यहां पे लिख देंगे प्रकाश प्रकाश कौन है भैया मैनेजर चलिए हो जाएगा तो बताइएगा भैया हो जाएगा तो बताइएगा डन ठीक है अब मेरी बात सुनिएगा अब मेरी बात सुनिएगा कि देखो ये अपन ने इंटर ऑफिस मेमो कर लिया ठीक अब ऐसे ही मेमो आपको देखो यहाँ पे दिया हुआ है दुनिया भर का ठीक है कि आप सी फर्म हो, आपको ये बताना है कि स्टेशनरी में कितना सामान लगेगा ऑफिस सप्लाई में कितना सामान लगेगा क्वार्टर में ये आपको मेमो देना है बराबर है क्या तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो देखो ये फिफ्थ वाला पॉइंट जो है ना फिफ्थ वाला कि आप मैनेजर हो फर्नीचर वाले के किचन के फर्नीचर देते हो आगे सब आएगा तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये आप एक बार खुद पढ़ोगे और इतना हार्ड हार्ड मेमो आता नहीं है मैं आपको दिखाऊं मेमो अगर पिछले साल के मेमो क्या आए थे मैं एक बार आपको दिखा देता हूं मेमो बहुत इजी आते हैं तो आइडिया के लिए आपको हर एक मेमो को एक 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 बार कौन कौन सा कौन कौन से आए हुए हैं आपको समझना पड़ेगा जैसे मैं नवंबर 19 की बात करूं नवंबर 19 में, में मेमो आया है क्या नवंबर नाइनटीन में मेमो नहीं है लेटर वेटर आया हुआ है मे नाइनटीन में एक बार देख लेते हैं मे नाइनटीन में भी मेमो नहीं है प्रेसी है प्रेसी अपन करने वाले हैं नाइन्थ में कहीं पे भी तो मेमो देखा हूं आर्टिकल हो गया फॉर्मल ईमेल हो गया मे 19 में भी मेमो नहीं है नवंबर 18 में चले जाते हैं इस पे भी नहीं है यानी कि सिर्फ वो मे 18 में पूछा है जहाँ तक मेरे को याद है मे 18 में पूछा होगा फिर वो लास्ट मे 18 में एक बार अपने को मेमो पूछा है मे 18 में आ जाते हैं अपन मेमो नहीं पूछा है सर्कुलर पूछा है मेमो एक बार भी दिख ही नहीं रहा है मुझे कहीं पे भी सर्कुलर दिया हुआ है मेमो 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 किधर है मेमो एक बार भी किसी हादिया दिया 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 मेमो इसमें दिया है इलेवेंथ वाले में ये देखो ये कैसा मेमो पूछा देखिएगा ये देखो ये देखो जस्ट अपन ने अब भी पढ़ा इसको कि एक मेमो लेटर लिखो इन्फॉर्मिंग द एम्प्लॉयज ऑफ ऑल ब्रांचेस अबाउट द सस्पेंशन ऑफ मिस्टर जेड कैशियर ये जस्ट अपन ने अभी दिखा और इसी को उठा के मे एटीन में मेमो में भी दिया हुआ है ठीक है और सर्कुलर पे भी दिया हुआ है बराबर है क्या चलिए सार भाई बोल रहे पीडीएफ भेज सकते हो क्या टेलीग्राम में बिल्कुल भेज देंगे भाई पिछले चार साल के पेपर इंस्टीट्यूट में भी अवेलेबल है तो मेमो एक ही बार पूछा और इतना टफ नहीं पूछा है सर्कुलर पूछा गया सर्कुलर कौन सा पूछा है अपन ये भी देख लेते हैं ये देखो सर्कुलर में भी क्या पूछा है अपने को ये देखो राइट सर्कुलर एड्रेसिंग टू द एम्प्लॉयज रिगार्डिंग ऑफिस टाइमिंग ठीक है ये सर्कुलर पूछा अपन ऑफिस टाइमिंग ऑलरेडी देखो अब भी, भी पढ़े थे सारे एम्प्लॉय का तो ये जनरली बताएगा आपके लेवल के हिसाब से ही बताएगा जस्ट ट्वेल्थ पास हो तो कौन सी चीजें आप ज्यादा सोच सकते हो उसके हिसाब से आपको मेमो और सर्कुलर लिखने के लिए देगा ठीक है यहां पे अपन मेमो और सर्कुलर को रोकेंगे मतलब हो गया अपना मेमो और सर्कुलर किधर गया रे बाबा हाँ जी तो आप पिछले तीन चार साल के जो पेपर है वो देख लेना ठीक है मेमो सर्कुलर के लिए मॉड्यूल में जो दिया वो देख लेना जो डाउट होगा वो पूछ लेना इसके बाद अपन आगे बढ़ रहे किसमें फॉर्मल लेटर्स में सॉरी राइटिंग फॉर्मल मेल्स में कि मेल कैसे कभी जीवन में, में मेल लिखे तुम लोग किसी को राइटिंग फॉर्मल मेल्स ठीक है कभी जीवन में मेल लिखे हो किसी को लिखे हो क्या मेल लिखे हो ठीक है चलिए तो जो मेल लिखे हो कभी आपने देखा टू लिखा रहता है उसके नीचे सीसी और बीसीसी रहता है सीसी और बीसीसी लिखा रहता है बस जिन जिन लोगों ने मेल लिखा है ना तुम्हारा आधा काम तो वहीं खत्म हो जाता है और मेल को भी पूछा है मेल को भी पूछा गया ठीक है।, है ध्यान से सुन के लीजिएगा दिशा महाजन बोल रही कभी मेल ही नहीं लिखी है वाह बेटा ठीक है चलिए तो जो मेल है मेल में आप लिखते पहले टू किसको भेजना है उसके नीचे सीसी और बीसीसी रहता है बीसी नहीं रहता है बीसीसी रहता है सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी बी का मतलब होता है ब्लैंक कार्बन कॉपी दोनों के पर्पस क्या होते हैं सुन के लीजिएगा अभी साथ में दिखाऊंगा तो ही पढ़ा दूंगा तो यहाँ पे आपको फॉर्मल मेल्स लिखना सिखाया जाएगा अब ये फॉर्मल मेल्स भी क्यों लिखना सिखाया जा रहा है इसके बाद रिज्यूमे राइटिंग सिखाया जाएगा क्यों सिखाया जा रहा है अरे भाई सी इंटरमीडिएट क्लियर करके आप जाओगे क्या करने के लिए ट्रेनिंग में ट्रेनिंग में आपको क्लाइंट से मेल मेल खेलना पड़ेगा ट्रेनिंग में जाओगे तो आपको रिज्यूमे बनाना पड़ेगा ये उन सारी चीज़ों के लिए आपको फाउंडेशन में ही थोड़ा सा बता देते हैं कि भाई ये लोग पहले से सीख जाओ इंटर जैसे ही पास करोगे मेल और रिज्यूमे तो तुमको आना ही चाहिए लेटर तो तुमको लिखना आना ही चाहिए बराबर है क्या तो ये पूरा पर्पस आपके प्रैक्टिकल अप्रोच को दिया हुआ है इधर तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि मेल कैसे लिखते हैं जिन बच्चों ने ऑलरेडी मेल लिखा उसको पता ही है फिर अपन एक आध मेल ड्राफ्ट भी करेंगे और ये वाला अपना आज का लास्ट टॉपिक रहेगा मेल वाला फिर कल अपन शुरू करेंगे रिज्यूमे राइटिंग और मिनट्स और मीटिंग वो पीछे के पूरे टॉपिक खत्म हो जाएंगे अपने कल और फिर अपन परसों से शुरू करेंगे प्रेसी आर्टिकल और रिपोर्ट ये जो तीन चीज है जो पूछतीच पूछती है प्रेसी तो पूछता ही पूछता है सबसे इंपॉर्टेंट प्रेसी है उसमें बराबर है क्या और बाकी की चीजें आपकी कवर हो जाएगी तो उन तीनों में से कोई एक आता है या तीन में से कोई दो आता है और बाकी चीजें अपनी ऑलरेडी कवर हो जाएगी ये वो करके फिर अपन उसमें जाएंगे प्रेसी वेसी वाले में आते हैं इसमें चलो सुनिएगा ठीक है चलिए इंट्रोडक्शन में आते हैं आज ही सब कुछ खत्म करते हैं आज किधर से खत्म हो जाएगा भाई एक दिन में थोड़ी सब कुछ हो जाता है सुनिएगा ध्यान दीजिएगा अब अगेन ये थ्योरी अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं है यह ये ये आपको बता रहा है कि मेल क्या होता है मेल अपन किसको किसको भेजते हैं यह बता रहा है ये थ्योरी सिर्फ आपको यही बताएगा कि अगर आप फ्रेंड्स को मेल लिख रहे हो तो कैसे लिखोगे इनफॉर्मल मेल अगर आप कलीग को लिख रहे हो तो सेमी फॉर्मल बराबर है अगर आप अपने बॉस को लिख रहे हो या बॉस आपको लिख रहा है तो फॉर्मल देखो तो यहां पे क्या लिखा हुआ है द मोस्ट कॉमन एंड प्रिफर्ड मेथड ऑफ इनफॉर्मल एंड फॉर्मल कम्युनिकेशन इन द मॉडर्न वर्ल्ड इज द ई मेल ई मेल का एक यूज होता है इंटर ऑफिस और इंटरनल ऑफिस कम्युनिकेशन टूल है ये बराबर इतना पढ़ लिए बराबर है इनफॉर्मल मिल किसको जाएगा फ्रेंड्स और रिलेटिव को सेमी फॉर्मल मिल किसके लिए होता है ये अपन एड्रेस करते कलीग को फंक्शनिंग विद इन अ टीम एट द सीनियर लेवल सीनियर लेवल पे तो सेमी फॉर्मल क्योंकि अपन उसके साथ ही काम करते हैं अपन जूनियर है वो सीनियर है इनफॉर्मल विल फ्रेंड्स को जाएगा रिलेटिव को जाएगा फॉर्मल किसको जाएगा जो विद इन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गेनाइजेशन के बाहर आपकी कंपनी किसी को सर्विस दे रही है क्लाइंट है वो आपका तो फॉर्मल मिल जाएंगे ठीक ये उसके फॉर्मेट दिए हुए आओ फॉर्मेट समझ लेते हैं ठीक है जी चलिए सुनना मैं 25 बार बोल चुका हूं मेरे को लेक्चर के बीच में ये ना पूछें कि इसको यूट्यूब में शेयर करोगे कि नहीं करोगे ये मेरे मूड के ऊपर होता है और ये वीडियो की इंपॉर्टेंस के ऊपर होता है मुझे ऐसा लगता है कि यार ये डालना जरूरी है तो मैं डालता हूँ और मैं बच्चों की रिक्वेस्ट को भी कंसिडर करता हूँ मेरे को बीच बीच में दुखी आत्मा के जैसे प्लीज ना पूछें प्लीज़ जो पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान दें ठीक है जी चलिए समझिएगा फ्रॉम किधर से नेम ऑफ पर्सन सेंडिंग द मेल तो पहले आपका फ्रॉम आएगा फॉर्मेट में किसको जा रहा है नेम ऑफ रिसिपेंट अब यहां पे आप ऐसे जो एसएमएस करते हो वैसे सर्च करोगे क्या अर्जुन कि यहां पे आप उनका सीधा मेल आईडी डालोगे यहां पे क्या आप डालोगे मेल आईडी डालोगे समझ में ही क्या बात नाम नहीं डालना है वहां पर फ्रॉम तो किससे तरफ से मेल आ रहा है तो उसकी मेल आई डी टू किस भेज रहे हो उसकी मेल आई आएंगे अपन आगे ठीक है सी सी कार्बन कॉपी कार्बन कॉपी का मतलब ये होता है जिनको जिनको नहीं पता है समझ लीजिएगा जब आप भेजते हो तो सीसी और बीसीसी रहता है क्लिक करोगे तो ड्रॉप डाउन में ऑप्शन आ जाता है ठीक है एक सेकेंड है यार ठंड लग रही मेरे को तो सीसी का मतलब ये है जैसे फॉर सपोज मैंने फ्रॉम में मेरी आई लिखी टू में किसी और की आई लिखी नीचे सी रहता है सीसी का मतलब अगर सीसी में मैं अगर किसी की मेल आईडी डाल देता हूं तो इस बंदे को तो दिखेगा ही दिखेगा बराबर है क्या कि किसने भेजा है इसको भी दिखेगा और मैं जितने लोगों को सीसी में डाल दूं सबको दिखेगा कि मेल किससे आया और किसको गया ये सीसी का मतलब है बीसीसी का मतलब क्या है ये समझ के लीजिएगा बीसीसी का मतलब ये है आपने अगर यहां पर किसी की मेल आई डाली है आपने यहाँ पे अगर किसी की मेल आईडी डाली है बीसीसी के अंदर इसको बोलते हैं ब्लैंक कार्बन कॉपी तो जैसे कि फॉर सपोज यहाँ पे मैंने उमेश का नाम डाल दिया बराबर है क्या तो सीसी में नहीं डाला मैंने बीसीसी में डाला तो जब मैं टू में किसका नाम डाला टू में मैं डाल देता हूँ किसका नाम प्रिया का नाम तो प्रिया को तो, तो, तो गया प्रिया को तो गया लेकिन प्रिया को ये नहीं दिखेगा कि और किसको गया प्रिया को ये नहीं दिखेगा कि और किसको गया लेकिन सर सीसी में डालूंगा तो दिखेगा क्या हाँ सीसी में प्रिया को तो दिखाई रहा क्या मेल है और ये भी दिखेगा प्रिया को कि और किसको किसको भी ये मेल फॉरवर्ड हुआ है बीसीसी की खास बात क्या है कि आप टू को भेजो और बाकी में बीसीसी डाल दो तो ना टू को पता चलेगा ना बीसीसी वाले को पता चलेगा कि मेल किसको किसको गया इसीलिए उसको बोला जाता है ब्लैंक कार्बन कॉपी समझ में आया तो थम्सअप करिए समझ में आया तो थम्सअप करिए ठीक है तो देखो यहां पे क्या होता है समझ के लेना द सेम मेल बींग सेंड टू अदर इंडिविजुअल विद ई मेल आई डी विजिबल टू ऑल इन द ग्रुप जितने लोग भी है सबको विजिबल रहेगा सी सी में लेकिन बी सी सी में क्या होगा ब्लैंक कार्बन कॉपी है वो नेम एंड ई मेल आई डी ऑफ बी सी सी रिसीवर इज नॉट रिसीवर विजिबल टू द रेसिपेंट ऑफ द मेल बट हीज और हर आई डी विजिबल टू बी सी सी और रिसीवर तो यहां पे क्या बोला है कि जो नेम और ईमेल आईडी होती किसकी बीसीसी रिसीवर की वो विजिबल नहीं होती किसको रेसिपिएंट को रेसिपिएंट यानी कि जो मेन वाला बंदा है ये ठीक है लेकिन हीज और हर आईडी डी इज विजिबल टू बीसीसी जो बीसीसी वाला रहेगा ना उसको ये पता रहेगा कि ये और किसको गया है मेन रेसिपियंट कौन है ये बीसीसी को पता चलेगा कि मेन रेसिपियंट कौन है लेकिन मेन रेसिपियंट को यह नहीं पता चलेगा कि बीसीसी में कौन है समझ में आ रही है बात वापस से बोल रहा हूं सर सीसी है सबको दिखने वाला है कार्बन कॉपी है अदर इंडिविजुअल विदर ई मेल आई सबको दिखेगा कि ये मैसेज किसको गया है रेसिपियंट को दिखेगा कि कौन सीसी में है सी वाले को दिखेगा कौन रेसिपेंट में सबको सब, सब कुछ दिखेगा ठीक है जो बी है बी है बी में रहेगा जिसका बी में डाला गया ना उसको दिखेगा कि मेन रेसिपियंट कौन है और मुझे भी आया है लेकिन मेन रेसिपेंट को नहीं दिखेगा कि बीसीसी में कौन है समझ में आ गया तो थमसअप करिए समझ में आया तो थम सब करिए ठीक है सब्जेक्ट में जाता हूँ मैं क्लियरली और कॉन्साइजली आपको सब्जेक्ट बताना है लिखते हो ना उसमें पहले से ही सब्जेक्ट रहता है कि किस विषय में आप मेल लिख रहे हो ठीक उसके बाद डियर सर मैडम डियर मिस्टर गुप्ता हाय अपील अब मेरे को एक बात बताओ अब मेरे को एक बात बताओ ये हाइक अपील किस केस में जाएगा हाइक अपील किस में जाएगा कब जब आप जानते हो रिसीवर को अच्छे से या हाय ऑल अगर आप ग्रुप ऑफ पीपल को भेज रहे हो इसके ऊपर एक किस्सा हो गया था तुमको पता है क्या हमारे जब पुणे में मैं ट्रेनिंग करता था तो रजिस्ट्रार ऑफ़ कंपनी जो होता है ना रजिस्ट्रार ऑफ़ कंपनी में, में मेरे सर ने लिख दिया था डियर सर आर से अपने को कुछ काम था आर से अपने को कुछ काम था तो आर को अपन ने मेल लिखा डियर सर करके आगे जो भी मैटर था वो आपको लेना देना नहीं है आर मैटर को छोड़ के रिप्लाई क्या करता है पता है क्या फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो हाउ आई एम डियर टू यू ये बताओ बोले पहले कि मैं तुमको डियर कैसे हूँ डियर लिखे कैसे तुम कहने का मतलब ये था उसका तो भैया ये सैल्यूटेशन भी बहुत करता है उसका कहना क्या था रिस्पेक्टेड सर लिख बेटा रिस्पेक्टेड सर आर सी हूँ मैं तो डियर कैसे लिख रहा है मेरे को ये मुद्दा था उसका ठीक है तो ध्यान देना इधर तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है सैल्यूटेशन डियर सर मैडम डियर मिस्टर गुप्ता हाय कपिल तो भाई ये डिपेंड करेगा कि आप लिख किस को रहे हो जस्ट अ मोमेंट ठीक सैल्यूटेशन हो गया सैल्यूटेशन के बाद मेन बॉडी जैसे अपन लेटर में लिखे थे सैल्यूटेशन हो गया मेन बॉडी मेन बॉडी के अंदर ओपनिंग पैराग्राफ क्या रहेगा इंट्रोडक्शन कि किस लिए मेल लिख रहे हैं सेम रहेगा है पूरा ठीक है ओपनिंग पैराग्राफ शुड बी आउटलाइन द मेन आइडिया रीजन फॉर द मेल जैसे लेटर में था सेम है उसके बाद डिटेल्स रहेगी जिसको अपन बॉडी बोलते हैं लेटर में अपन इसको क्या बोलते थे इंट्रोडक्शन लेटर में अपन इसको क्या बोलते थे बॉडी और लेटर में अपन इन सारी चीजों को क्या बोलते हैं कंक्लूजन सेम चीज यहां पे बट अलग करके बता दिया ठीक है जी मे का कंक्लूडिंग स्टेटमेंट कुछ रिकमेंडेशन दे दो कुछ सजेशन देना है दे दो फिर आप अटैचमेंट करते हो वो यू क्लिप बनी रहती है ना यू क्लिप उसको क्लिक करके आप पी अटैच कर देते हो कोई डॉक्यूमेंट अटैच कर देते हो तो अटैचमेंट ठीक है गिव अ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स अटैच फिर सिग्नेचर तो सिग्नेचर में देखो क्या रहेगा नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द सेंटर और ईमेल एड्रेस और टेलीफोन नंबर भी आप डाल सकते हो कन्वीनियंस के लिए कि अगर उसको कुछ बात करनी हो तो वो कॉल करके बात कर लेगा ये फॉर्मेट है अभी फॉर्मेट में अपन मेल लिखेंगे बहुत ईजी है बहुत ईजी सुनिएगा मेरी बात अब यहाँ पर देखो अब अगर इफेक्टिव मेल लिखना है तो रीडेबल पॉइंट है आपको पूछने वाला नहीं है इफेक्टिव मेल के लिए क्या क्या ये आपको याद जरूर रखना है कि भाई मेल लिखते समय अपने को इन इन बातों का ध्यान रखना है दो तीन बार मेल राइट कर लोगे तो ये अपने आप अपनी बुद्धि में बैठ जाता है सुनिएगा सबसे पहले भाई अपना पर्पज क्लियर करके लो जस्ट अ मोमेंट जी लैपटॉप थोड़ा सा नाटक कर रहा है हाँ जी सबसे पहले तो अपने को क्या करना है पर्पस क्लियर रखना है कि भाई किस पर्पस की वजह से अपन मेल दिख रहे दूसरा मेक पॉइंट्स अबाउट इन्फॉर्मेशन जो जो अपने को इंक्लूड करना है पहले से मेल ड्राफ्ट करने के पहले पॉइंट बना लो कि क्या क्या पॉइंट इंक्लूड करना है टोन आपकी क्या होनी चाहिए सूटेबल होनी चाहिए ऑफिशियल आईडी से यूज़ करो वो इंस्टाग्राम में होते हैं ना कूल बॉय सनी स्वैग ये स्वैग वो किसी की मेल आई भी ऐसी रहती है स्वैग बॉय सनी एट द रेट जी मेल डॉट कॉम वो सब नहीं करना है भैया ऑफिशियल आई डी से करो स्वैग वैग मत दिखाओ अप्रोप्रिएट सैल्यूटेशन सैल्यूटेशन वही भाई आरोसी को लिख रहे हो तो डियर वीयर मत लिखो रिस्पेक्टेड सर लिखो समझ में आई के बाद कीप द मेल शॉर्ट एंड सिंपल शॉर्ट एंड सिंपल रखो क्यों इतना लंबा मेल पढ़ने को किसी को टाइम नहीं है शॉर्ट सेंटेंस यूज करो जैसे वो अपना कर रहा था बंदे का जिसका वीडियो बताया था शॉर्ट शॉर्ट में खत्म करना है ठीक है मेन पर्पज बताना ओपनिंग पैराग्राफ में ऊपर ही पढ़ लिया अपन ने सेपरेट पैराग्राफ बताना डिफरेंट पॉइंट को बताने के लिए चार्ट या ग्राफ अगर आपके पास है तो आप ऐड कर सकते हो लॉजिकल और सिस्टम रहेगा चलो ये फालतू की चीज़ें इसको जान दो प्रूफ रीड करेंगे ये सारी अपन सीधा मेल में आते हैं वो जितनी भी थ्योरी है अपने को कुछ काम की नहीं अपने को ये सीधा सैंपल काम का है कि लिखना कैसे ऊपर की चीज़ें सब रीडेबल है आइए अब सैंपल पढ़ते हो फिर मैं लिखवाऊंगा अभी फिर मैं लिखवाऊंगा भी तो दो तीन अपन बना लेंगे अपने को ऊपर की चीजें अपने आप आ जाएगी क्या रहना है, क्या नहीं रहना ऊपर की चीजें थ्योरी है वो बस ये बता रहे है कैसे लिखना चाहिए नहीं लिखना चाहिए प्रैक्टिस करेंगे अपने आप अपने को आ जाएगा सुनिएगा मेरी बात सैंपल मिल्स तो देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है अमित सूरी है अमित सूरी को भी प्रमोट किया गया सीनियर मैनेजर की पोस्ट में कौन सी कंपनी में हिंडालको इंडस्ट्री में सीनियर मैनेजमेंट की पोस्ट में अपग्रेड कर दिया उसको कंग्रेचुलेशन मिल रहा है किससे सिस्टर से उसकी कलीग से और जनरल मैनेजर से मैंने बताओ सिस्टर कलीग और मैनेजर किसका फॉर्मल होगा किसका सेमी फॉर्मल होगा और किसका इनफॉर्मल होगा बताओ बताओ किसका फॉर्मल होगा किसका सेमी फॉर्मल होगा और किसका इनफॉर्मल होगा बताओ सिस्टर का इनफॉर्मल होगा और सिस्टर का इनफॉर्मल अरे आगे का भी तो बताओ सिस्टर का इनफॉर्मल कलीग का सेमी और मैनेजर का फॉर्मल बिल्कुल करेक्ट अभी देखो ये तीनों के अपन समझ के लेते हैं कि कैसे उसको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे फिर अपन भी लिखेंगे फिर अपन भी लिखेंगे सुनना चलिए तो देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है टू अमित सूरी अमित सूरी को लिख रहे हैं सी 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 में आपकी मर्जी किसी को रखना है कि नहीं रखना है ठीक सब्जेक्ट क्या देखो कॉन्ग्रेचुलेशन उल्टा आई ठीक है एक्सक्लेमेटरी मार्क है वो अपने पास क्योंकि खुशी की बात है कॉन्ग्रेच वैसी वाला है ठीक है फिर क्या बोला है? देखो हाय अमित हाय अमित क्योंकि ये कौन लिख रहा है ये उसकी सिस्टर लिख रही है ये कौन लिख रहा है उसकी सिस्टर लिख रही है तो ये हाय अमित करके भेजी हुई है वी जस्ट गॉट अ सुपर न्यूज क्योंकि ये क्या उन? सिस्टर भेज रही सुपर न्यूज मिली ऑफ योर प्रमोशन आई एम सो एक्साइटेड एंड थ्रिल्ड अ बिग पार्टी इज ड्यू फ्रॉम यू एंड ऑफकोर्स गिफ्ट फॉर योर लविंग सिस्ट भाई पार्टी ड्यू है और सिस्टर को आप क्या दोगे गिफ्ट दोगे अब मेरे को एक बताओ जबरदस्ती का वेस्टर्न कल्चर का चोचला नहीं लग रहा है कोई बहन ऐसे मेल लिख के पार्टी मांगेगी और गिफ्ट मांगेगी इसी तरफ फोन करती भाई हक से बटवा निकाल के पैसा ले लिए प्रमोशन हुआ है भाई का ये सब चोचलाबाजी है ठीक है मॉम एंड डैड आर टू इंजॉयड टू ओ आर जॉयड उनको भी बहुत खुशी हो रही है बहुत खुशी हो रही है कि भाई उनका जो हार्ड वर्किंग सन है उसके ऊपर बहुत गर्व महसूस हो रहा है ठीक है दे सेंड यू देर लव एंड ब्लेसिंग्स उनका आशीर्वाद है यह भेज रहे हैं वो वी आर ऑल लुकिंग फॉरवर्ड टू योर विजिट होम सो देट वी कैन हैव अ ग्रैंड सेलिब्रेशन पार्टी योर अफेक्शनेटली ज्योति ये उसने सिस्टर ने भेज दिया तो अगर आप देखोगे तो भैया ये तो सेम रहेगा हर जगह ये वाला ये बस चेंज हो सकता है फॉर्मेट के हिसाब से और ये कुछ थोड़ा बहुत चेंज होगा ये तो आपको अपने मर्जी से ही लिखना है ना भैया ये थोड़ी आप रट के जाओगे आपको सिर्फ फॉर्मेट देख के जाना है बराबर है क्या चलो ये हो गया अपने हिसाब से अमित सूरी वाला दूसरा अब कौन भेज रहा है अब अपने को भेजेगा उसका कलीग उसके बाद भेजेगा जनरल में तो कलीग रहेगा तो सेमी फॉर्मल अब सेमी फॉर्मल रहेगा तो कैसे देखो टू अमित सूरी ठीक है अमित सूरी सी सी बी सी सी देख लो और यहां पे देखो कॉन्ग्रेचुलेशन जो है छोटा है एक्सक्लेमेटरी मार्क भी नहीं है बराबर है कॉन्ग्रेचुलेशन और ये प्रमोशन क्योंकि ये क्या है सेमी फॉर्मल है सेमी फॉर्मल हाय अमित फिर से हाई अमित क्यों है? सेमी फॉर्मल है नीचे जाओगे तो देखना ये हाई वाई नहीं रहेगा डियर ये वो रहेगा क्योंकि वो पूरा फॉर्मल रहेगा क्योंकि वो मैनेजर भेजेगा ठीक हाय अमित आई जस्ट गॉट टू हियर ऑफ योर प्रमोशन टू द पोस्ट ऑफ सीनियर मैनेजर प्लीज एक्सेप्ट माय हार्टियस कॉन्ग्रेचुलेश ठीक है योर हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन हैव रिवॉर्डेड आपका जो हार्डवर्क है और आपका जो डेडिकेशन है उसको रिवॉर्ड किया गया क्योंकि ये मैनेजर लिख रहा है श्योरली डिजर्व द रिक्निशन बिल्कुल आप इतना हार्डवर्क करते थे तो ये तो आपको मिलना ही था ये पोजिशन जितने भी टीम मेंबर्स हैं आर इलेक्टेड दैट यू हैव बिन सेलेक्टेड वो बहुत ज्यादा खुश है कि आप सेलेक्ट हुए वी आर श्योरली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर आर पार्टी वो भी मांग रहे हैं कि पार्टी दो रिगार्ड सुमित चौधरी टीम मेंबर अब कौन लिखेगा मैनेजर ये तो क्या था सेमी वाला अब कौन लिखेगा मैनेजर तो मैनेजर देखो एकदम फॉर्मल हो जाएगा प्रमोशन टू द पोस्ट ऑफ सीनियर मैनेजर डीयर अमित सूरी में देखो यहाँ हाई वाई चले गया डियर अमित सूरी आई एम प्लीज टू अप्रेज यू ऑफ योर प्रमोशन टू द पोस्ट ऑफ सीनियर मैनेजर इन द प्रोडक्शन पूरा फॉर्मल पूरा फॉर्मल ठीक है यू हैव बिन आप बोले बहुत समय से हिंडालको इंडस्ट्री के साथ काम कर रहे हो पिछले सात साल से और आपने अपना टाइम दे के अपनी वर्थ दे के आप वापस से प्रूफ कर दिया है कि तुम डिजर्व करते हो उस पोस्ट को योर डेडिकेशन हार्डवर्क एंड विलिंगनेस टू टेक अ न्यू इनिशिएटिव हैज बिन रिकोगनाइज एंड एप्रिशिएटेड बाय योर सीनियर्स ठीक है आपने इंप्लीमेंट किए प्रोसीजर जो कि बहुत एफिशियंट हुए अपने डिपार्टमेंट में आउट स्टैंडिंग अचीवमेंट मेरा कॉन्ग्रेचुलेसन एक्सेप्ट करो रिगार्ड प्रतीक चोपड़ा जनरल मैनेजर हिंडालको इंडस्ट्री पूरा फॉर्मल था पूरा का पूरा अब मैं आपको बता दूँ ये लैंग्वेज देख के आपको डरने का नहीं है ये जो लैंग्वेज यूज की है इंस्टीट्यूट ने भाई पूरा फॉर्मल फॉर्मल किया है इतना अपने को नहीं आता है जब तक अपन ट्रेनिंग वेनिंग में नहीं जाते और ये बात एग्जामिनर को पता है बच्चा बारहवीं पास किया है अभी बराबर है क्या उसको अपने इंस्टीट्यूट को मेल लिखने को चार बार सोचना पड़ता है क्या लिखूँ क्या नहीं लिखूँ तो इतनी टफ लैंग्वेज आपको यूज़ नहीं कर रही है बट ये मेक श्योर sure कर रहे हैं कि वो फॉर्मल रहे कैसा फॉर्मल मैं लिखवा रहा हूँ अभी आइडिया आ जाएगा उससे और थम्सअप करो यहाँ तक की चीज़ें समझ में आई हैं तो हम सब करो यहाँ तक की चीजें समझ में आई है तो ठीक अब एक पहले ये वाला और देखते हैं पहले पूरा मॉड्यूल की चीजें खत्म करते हैं फिर मैं आपको लिखवा दूंगा पहले पूरी मॉड्यूल की चीजें अपन खत्म करते हैं ठीक है ध्यान से सुन के लीजिएगा अब देखो ये वाला एक मॉड्यूल में है जो ये बोल रहा है जो ये बोल रहा है कि भाई हैंडओवर कर रहे हो प्रोजेक्ट को अभी जैसे कि मैं आपको एक बात बताता हूँ अन uh, एकेडमी में एक सर थे जिनके साथ में काम करता था जिनके साथ सारा कोऑर्डिनेशन होता था उनका भी मेरे पास मेल आया कि सर मैं रिजाइन कर दिया हूँ अन को तो अब आपका जो भी जो भी आपका कोऑर्डिनेशन होता है ये फलाने बंदे से होगा यानी कि अब मैं जो काम किया हुआ था वो मैं असाइन कर दिया किसी और को क्योंकि मैं अपना काम छोड़ दिया हूँ उसका मेल आया था मेरे पास उसका मेल आया था मेरे पास तो ऐसे ही अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट आप किसी और को हैंड कर रहे हो तो उसके बारे से एक फॉर्मल मेल है देखो उसके बारे से एक अलग से फॉर्मल मिला देखो अमित मल्होत्रा जी ठीक है देखो सीसी में किसको लिखा है सतीश कुमार और रंजीत प्रसाद क्यों ये अमित अनिल मल्होत्रा के साथ हो सकता है ये भी साथ में प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो अब एक बंदा निकल रहा है तो निकल रहा है तो वो अपनी जगह किसको रख रहा है तो देखो वो सी 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 में कंसर्न पर्सन को रखा हुआ है कि भाई इनको भी इस बात की जानकारी होनी चाहिए जैसे कि उसने मुझे जानकारी दी थी ठीक है सब्जेक्ट हैंड ओवर ऑफ ए बी सी प्रोजेक्ट डियर मिस्टर मल्होत्रा ये इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि भाई मैं डिसकंटिन्यू कर रहा हूं अपनी सर्विस को इस ऑर्गेनाइजेशन में पांच जून 2017 से और मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जो प्रोजेक्ट है सत्तर परसेंट कंप्लीट हो गया है और कुछ एफर्ट और लगेंगे ऑन आवर बिहाफ इन द नेक्स्ट वन टू रैप इट अप हंड्रेड परसेंट करने के लिए तो बोले क्योंकि मैं अपने लास्ट वीक में हूँ नोटिस पीरियड के लिए आई वुड लाइक टू हैंड ओवर द प्रोजेक्ट डिटेल्स टू यू एज सुन एज द पॉसिबल ठीक उसके बाद बोला है कि मैंने ये रिक्वायर्ड ई क्लाइंट को भेज दिए जैसे अन का मैं भी तो क्लाइंट ही था भेज दिए हैं इन पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग सेकेंड जून सेकेंड जून से लेके अब तक कितना काम हुआ मैंने क्लाइंट को भेज दिया है ठीक है अब आपसे वो डायरेक्टली बात करेंगे अब मेरे से बात नहीं करेंगे डायरेक्टली आपसे बात करेंगे हैंड्स एम सेंडिंग द रिक्वायर्ड फाइल अटैच विद द मेल और अब तक का जितना काम हुआ है उसकी फाइल मैं आपको भेज दे रहा हूं क्योंकि अब आप और वो डायरेक्ट काम करने वाले हो और बोले प्लीज गेट बैक टू तो मी इन केस रिक्वायर एनी क्लेरिफिकेशन प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग क्योंकि सत्तर परसेंट का प्रोजेक्ट मैंने काम किया है बीच में अगर आपको कुछ डाउट है तो मेरे से बात करने के लिए मेरे को मेल लिखो थैंक्स एंड रिगार्ड सुशील कुमार प्रोजेक्ट मैनेजर खाता अब देखो सर सुनना सर इस फॉर्मेट में फ्रॉम तो है ही नहीं अरे भाई ये देखिए फिर रोना शुरू कर दिया फिर रोना शुरू कर दिया भाई मेल लिखता है तो तेरा फॉर्म ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है ना तेरे को ये चिंता रहती है कि अरे मैं मैं किसको भेज रहा हूं कौन भेज रहा हूँ मैं ही भेज रहा हूँ कि अच्छा 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 मैं ही भेज रहा हूँ मैं ही भेज रहा हूं भाई तू ही सेलेक्ट करता है ना सीधा तो तेरे मोबाइल से या तेरे डेस्कटॉप से तू मेल करेगा तो फॉर्म बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड होता है कि नहीं होता है कि तेरे को ये भी जानना जरूरी कि तू तू है कि नहीं है गजब आदमी है भाई ये चलो आगे बढ़ो रोहित मेरे भाई कॉमन सेंस थोड़ा सा मेरे लिए भाई मेरे लिए मेरे लिए थोड़ा सा कॉमन सेंस भाई मतलब उसका रोना देखो किसमें है सर इसमें फ्रॉम नहीं है सर इसमें फ्रॉम नहीं है फ्रॉम नहीं जैसे वो गलत हो जाएगा भाई मैं थोड़ा बहुत इस टाइप का और डाउट अगर तू पूछ लिया भाई मैं गोला छोड़ के भाई चले जाऊँगा पीके मूवी के जैसे मैं बता रहा हूँ ठीक है चलिए अब सुनना मेरी बात यहां पे देखो डिफरेंस बिट्वीन अ वेल रिटर्न एंड पुअरली स्ट्रक्चर्ड मेल देखो एक ये मेल है एक ये मेल है और एक ये वाला मेल रहेगा पहले पूरी मॉड्यूल की चीजें कवर कर रहे हैं फिर मैं आपको लिखवाऊंगा भी ठीक है एक ये मेल है तो में सर मेल आईडी आती है तो यहाँ नेम क्यों लिखा गया मेल आईडी क्यों नहीं लिखी गई एक मैडम का और डाउट आ रहा है एक मैडम का और डाउट आ रहा है दिव्या मैडम का दिव्या मैडम आप तो बोल दिए कि सर आप छोड़ के चले जाओ सुनिएगा दिव्या मैडम का डाउट क्या है कि सर टू में और फॉर्म में तो मेल आईडी आती है तो इधर नाम क्यों लिखा है इधर नाम क्यों लिखा है इधर मेल आईडी क्यों नहीं लिखी है अब वो अनिल मल्होत्रा को मैं सर्च करूं इंस्टीट्यूट में जाऊं पहले अनिल मल्होत्रा कौन है उनसे पूछूं उनकी मेल आईडी लूं और फिर लिखूं अरे भैया मेरे यहाँ पे देखो यहाँ पे यहाँ पे ये यह देखो किधर के रे फॉर्मेट भाई ठीक है नेम ऑफ द पर्सन सेंडिंग मेल नेम ऑफ द रिशिपेंट अगर अपने को यहाँ पे मेल बोल रहा है अगर अपने को यहाँ पे क्या बोल रहा है फॉर्मल मेल्स बोल रहा है तो मेल्स में ये अंडरस्टूड होता है ना कि भाई अपन मेल आईडी ही लिखेंगे उनकी नाम कैसे लिखेंगे ठीक है आपके चरण छूना चाहूँगा मैं व्हाट्सएप में भेज दीजिए दर्शन कराऊंगा मैं फ्रेम करवा के रखूँगा ठीक है चलिए डिफरेंस बिटवीन सुनिए भैया सुनिए सुनिए मतलब मेरे को थोड़ा सा कॉमन सेंस भी आपको सिखाना है सबको सुनिए डिफरेंस बिटवीन अ वेल रिटर्न एंड पुअरली स्ट्रक्चर्ड मेल सुनिएगा अभी देखो ये वाला पुअर स्ट्रक्चर है वर्जन वन सुधा कुमारी ई मेल सुधा कुमारी ने ई मेल किया क्या लिखा देखो सब्जेक्ट लिखा टुमारो अरे टुमारो क्या हवन करेंगे नाचेंगे गाएंगे डिनर है लंच है क्या टुमारो कुछ नहीं पता फिर एज यू नो टुमारो आफ्टरनून वी आर मीटिंग अबे टुमारो आफ्टरनून 12 बजे से लेके शाम को 4 बजे के बीच में कब मिलने वाले टुमारो बोल दिया मिलने वाले कब मिलेंगे भगवान जाने ठीक है चलिए द स्टेटस ऑफ ऑल न्यू असाइनमेंट्स वी आर प्रिपेयरिंग फॉर स्टूडेंट्स फॉर द कमिंग सेशन ठीक है टीम विल बी प्रोवाइडेड ओके बी श्योर टू अराइव ऑन टाइम अरे ऑन टाइम आए तो कहां आए कहां आए ऑन टाइम ठीक है जी ब्रिंग प्लेंटी कॉपीज फॉर एवरी वन प्लेंटी कॉपीज लाइए हर के लिए भाई पता नहीं कौन सी सबके लिए हम कॉपी लाएं ऐसा बोल रही है ब्रिंग एवरी थिंग यू हैव बिन वर्किंग ऑन योर कैलेंडर रिपोर्ट ठीक है ऑल्सो आई वॉन्टेड टू रिमाइंड यू दैट योर मटेरियल हैज़ टू बी गिवन टू मिस्टर रिधेमा एट द रिसेप्शन If शी इज नॉट एट हर डेस्क when यू स्टॉप by, कैन ई मेल दैम टू हर लेटर अरे ई मेल तो बता फिर उसका ई मेल तो बता थैंक्स एंड रिगार्ड सुधा कुमारी भाई ना सिर है ना पैर है एकदम रोहित के जैसे ना सिर है ना पैर है ठीक अब ये आते हैं देखो वर्जन टू में वर्जन टू में देखो पहले सीधा सब्जेक्ट है मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर वेडनसडे स्टाफ मीटिंग वेडनस डे वेडनसडे की स्टाफ मीटिंग के लिए ठीक है हाई एवरी वन हाय एवरीवन फॉर टुमारो थ्री पी एम यहाँ पर बताया गया भाई तीन पी एम को स्टाफ मीटिंग है इन द कॉन्फ्रेंस रूम अब प्लीज मेरे को यहाँ पे कोई कुछ मत बोलना सर ये तो सीधा सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है टू फ्रॉम सी सी बी सी सी की तरह माँ कसम छोड़ के चले जाऊँगा क्लास बता रहा हूँ बिल्कुल नहीं बोलना मेरे को बिल्कुल नहीं बोलना ठीक है वो भाई मतलब बोलना ही मत सब्जेक्ट भाई यहाँ पर सिर्फ कंपेरिजन दिखा रहा है कि पुअर स्ट्रक्चर और अच्छा वाला कैसे होता है तो वो इम्प्लाई कर लिए कि भाई दो तीन बार अपन ने टू फ्रॉम बता दिया तो इनको समझ में आ जाएगा टू फ्रॉम होता है करके ठीक है सुनना मेरी बात हाँ फ्रॉम तीन पी एम स्टाफ मीटिंग है कॉन्फ्रेंस रूम में प्लीज ब्रिंग कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल तीन पी एम से इन सारे इन सारे मटेरियल का तुमको क्या लेके आना है कॉपी लेके आना है बराबर है क्या असाइनमेंट यू हैव प्रिपेर टिल नाउ अब तक क्या असाइनमेंट प्रिपेयर किए वो लाओ वन पेज रिपोर्ट डिस्क्राइबिंग योर प्रोग्रेस अब तक कितना प्रोग्रेस किया वो लेके आओ लिस्ट ऑफ गोल्स फॉर नेक्स्ट मंथ ये लेके आओ कॉपीज ऑफ एनी मैसेज यू हैव सेंट टू मेंबर्स ये लेके आओ ठीक है और बोला है कि आपको फाइनलाइज असाइनमेंट प्रिंटिंग को देना रिधिमा को उसके रिसेप्शन में इफ यू डू नॉट फाइंड हर डेस्क प्लीज ई मेल डैम टू हर लेटर सी यू टूमोरो यहां पे भी यहां पे भी अपने को उसकी ई मेल आई डी डालनी पड़ेगी ऊपर भी नहीं था यहां पे भी नहीं था थैंक्स एंड रिगार्ड सुधा कुमारी केडमिक कन्वेनर ठीक है चलिए ये हो गया ये अपना मेल हो गया बराबर है क्या चलिए तो देखो दोनों में फर्क क्या है बोले पहला वाला जो मेल है वो कंफ्यूजिंग है पुअरली स्ट्रक्चर है किसी को एड्रेस नहीं किया गया है बहुत ज्यादा वेग है टाइम एंड प्लेस नहीं दिया गया सिंगल पैराग्राफ में सब कुछ बता दिया गया है रीडर द रीडर हैज टू रीड द मेल वेरी केयरफुली लेकिन दूसरा वाला कैसा है देखो पोलाइटली है सब्जेक्ट बताया गया है कब मीटिंग है टाइम एंड प्लेस बताया लिस्ट बताया गया सेपरेट पैराग्राफ दिया गया है बराबर है क्या सब कुछ समझ में आ गया आपको अब देखो इसका एक जो एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर वन ठीक है क्वेश्चन नंबर वन हम लोग लिखेंगे कैसे मेल लिखते हैं अब हम एक पूरा ड्राफ्ट करेंगे सुनिएगा यू आर मिस्टर प्रदीप कुमार आप प्रदीप कुमार हो जनरल मैनेजर हो सुरभी फर्निशिंग के आप प्रदीप कुमार हो आप आप फर्नीचर और अदर फर्नीशिंग प्रोवाइड करते हो लार्ज बिजनेस को एक ईमेल लिखना है आपको किसको नवीन बंसल को नवीन बंसल कौन है प्रोपराइटर है किसका प्रोपराइटर चैलसा चेन ऑफ रेस्टोरेंट चैलसा चेन ऑफ रेस्टोरेंट का वो प्रोपराइटर है आपको अपने जो लेटेस्ट फर्नीचर है ना उसको डिस्काउंट रेट में देने हैं और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डेढ़ सौ से दो सौ वर्ड का आपको मेल लिखना है चलिए फुल स्क्रीन करता हूँ मेल लिखना शुरू करिए पेन कॉपी लेके बैठ जाइए तो एक आइडिया आ जाएगा स्ट्रक्चर आ जाएगा कैसे लिखना है करके ठीक है जी चलिए चलिए सबसे पहले अपने पास क्या था भैया टू ठीक है यहां पे लिख दीजिए टू ठीक है किसको भेज रहे हो भाई नवीन बंसल को भेज रहे हो नवीन डॉट बंसल देखो भैया मेल आईडी लिख रहा हूँ नाम नहीं लिख रहा हूँ मेरे बच्चों मेरा सर मत खाना बता रहा हूँ अभी मैं पूरा पूरा मेल आईडी लिख रहा हूँ मैं किसी को जी का लिखना है तो जी का लिख लेना ठीक है सी सी बी सी सी अभी आपकी मर्जी किसी को रखना है कि नहीं रखना है ठीक है चलिए एक भी आ, लाइन भी छोड़ देता हूं रुक जाओ नहीं तो फिर बोलेंगे सर उधर लाइन छोड़े आपने लाइन नहीं छोड़ा है करके सी सी बी सी सी ठीक उसके बाद क्या है सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट अपने को क्या बोला था न्यू रेंज ऑफ फर्नीचर ठीक है फिर एक लाइन छोड़ोगे और लिखोगे डियर मिस्टर नवीन बंसल अब यहाँ पे डियर क्यों लिख रहे हैं भाई बहुत लंबे समय से इससे अपन काम कर रहे हैं इससे कोई अथॉरिटी नहीं है कि रिस्पेक्टेड सर्वर लिखें ठीक है जी अब देखो पहले आप क्या करोगे इंट्रोडक्शन है तो मैंने आपको पहले ही बताया इंट्रोडक्शन में ओपनिंग रहती है ओपनिंग यानी कि आपका मेल किस बारे से है वो बताएगा इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ रहेगा तो देखो वी आर प्लीज टू अनाउंस टू अनाउंस क्या द लॉन्च ऑफ अपन पहले बता रहे हैं कि अपन ने न्यू रेंज ऑफ फर्नीचर किया है अनाउंस द लॉन्च ऑफ अवर न्यू रेंज ऑफ फर्नीचर न्यू रेंज ऑफ फर्नीचर ठीक है अब उसका कुछ नाम दे दो नाम कैसे दे दो पता है क्या न्यू रेंज में अपन उसको नाम दे दिए फॉर सपोज लग्जूरियस ये नया रेंज है अपना एक नया कैटेगरी आ गया लग्जूरियस ठीक है चलिए नाम दे दिए उसको मैं अलग नाम इसलिए अलग कलर से लिखा हूं ताकि आपको दिखे आपको वहां पे सिर्फ एक ही कलर यूज करना है विच इज वन ऑफ इट्स काइंड ठीक है एंड वी आर ऑल्सो प्राउड वी आर ऑल्सो प्राउड किस वजह से प्राउड है भाई टू स्टेट दैट वी आर द फर्स्ट हम फर्स्ट है इसमें इन द मार्केट टू प्रोवाइड दिस न्यू डिजाइन मार्केट में और कोई दूसरा है ही नहीं बस हम ही हम हैं ये इंट्रोडक्टरी हो गया कि भाई हमको बड़ा अच्छा लग रहा है आपको बताते हुए कि एक नई रेंज ऑफ फर्नीचर लेके आए जिसका नाम क्या है लग्जीरियस ठीक है और ये भी बताना अच्छा समझ रहे हैं कि हमारे अलावा मार्केट में और कोई नहीं है इसको प्रोवाइड करने के लिए हम ही हम हैं और अपन ने बोला था देखो एक ही पैराग्राफ में खिचपिट खिचपिट नहीं करनी है तो अपने को एक लाइन छोड़ना है लिखना है द फर्नीचर डिज़ाइन अब दूसरी बात लिख रहे हैं जो फर्नीचर का डिज़ाइन है वो क्या है ट्रेंडी है एंड स्टाइलिश है ट्रेंडी भी है और स्टाइलिश भी है एंड आर बीइंग वेल रिसीव्ड ट्रेंडी है डिजाइन स्टाइलिश एंड आर बीइंग वेल रिसीव्ड बाय अवर कस्टमर इसका मतलब ये है कि भैया हमारे कस्टमर भी जो है ना उसको अच्छे से रिसीव कर रहे हैं सेल अच्छा चल रहा है भाई ठीक है जी ये हो गया अब बोल रहा है कि वी बिलीव वी बिलीव दिस फ्रेश वर्जन ये जो फ्रेश वर्जन है ये फ्रेश वर्जन सूट करेगा सूट करेगा आपके रेस्टोरेंट को क्योंकि आपका रेस्टोरेंट है भाई आपके रेस्टोरेंट में चार चांद लगाएगा ये रेस्टोरेंट की थीम से और रेस्टोरेंट के एम्बियस से ठीक है जी और एक मज़े की बात पूरा चढ़ाना है उसको यू विल बी द फर्स्ट इन योर लाइन इन योर लाइन का मतलब रेस्टोरेंट वाली लाइन में आप सबसे पहले बंदे होंगे टू यूज दिस फर्नीचर यानी कि रेस्टोरेंट वाली लाइन में आपके अलावा यह फर्नीचर और किसी के पास भी नहीं होगा पूरा उसको चने के झाड़ में चढ़ा रहे हैं ठीक है विच प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन विच प्रोवाइड सेटिसफेक्शन सेटिस्फैक्शन टू योर रेस्टोरेंट अभी देखो उमेश आया है क्या करवा रहे हो पूछ रहा है। भाई हवन करवा रहा हूँ भाई हवन करवा रहा हूँ भाई हवन करवा रहा हूँ ठीक है और उसके बाद डिस्काउंट की भी बात करनी थी ना डिस्काउंट की भी बात करनी थी तो डिस्काउंट अब डिस्काउंट के लिए कैसे कि भाई एज यू आर आवर एज यू आर आवर वैल्यूड कस्टमर आप हमारे बहुत पुराने वैल्यूड कस्टमर हो वी आर हैप्पी टू ऑफर दिस फर्नीचर वी आर हैप्पी टू ऑफर दिस फर्नीचर रेंज टू यू ऐट अ स्पेशल डिस्काउंट एट अ स्पेशल डिस्काउंट ठीक है चलिए और साथ साथ में उनको बुलाओ अपने शोरूम में वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म प्लीज टू इन्वाइट यू टू आवर शोरूम आप हमारे शोरूम में आइए टू एक्सपीरियंस the difference made by this new furniture made by this new furniture ठीक <coughs> है जी और उसके बाद देखो यहां पे लिखो वी आर कमिटेड to your satisfaction ठीक है थैंक यू थैंक यू के साथ रिगार्ड्स प्रदीप कुमार जनरल मैनेजर प्रदीप कुमार जनरल मैनेजर हो जाएगा तो बताना मेल के लिए मैं आपको एक होमवर्क देने वाला हूँ और वो होमवर्क के बाद कल मैं उसका आंसर आपको दे दूंगा इसका वर्ड लिमिट तो बहुत है ज़्यादा नहीं है बेटा डेढ़ सौ से दो सौ बोला है गिन ले तू डेढ़ सौ से दो सौ बोला है ज्यादा नहीं है गिन ले तू तू यहां से मत गिनते बैठना टू से गिनते मत बैठना टू सी सी बी सी सी सब्जेक्ट डियर ये सब थोड़ी गिनना है बीच का बॉडी गिनना है डेढ़ सौ से दो सौ पूरा गिनते बंद बैठ जाना चलिए अभी मेरी बात सुनिएगा अब ऐसा है एक आपको मेल लिखना है ठीक है और ये मेल सेमी फॉर्मल होना चाहिए होमवर्क है अभी लिखवा देता लेकिन टाइम हो गया लेकिन ये सेमी फॉर्मल है जिसका आंसर मैं कल दिखाऊंगा सेमी फॉर्मल मेल है कैसे लिखना सुनिएगा कि भाई ऐसा है ऑफिस में अचानक से काम आ गया कोई भी एक्स वाई जेड ऑफिस बना लो ऑफिस में अचानक से काम आ गया और ऑफिस में अचानक से काम आने की वजह से जिन जिन को भी वेकेशन प्लान कर रहा है जो भी एम्प्लॉय वेकेशन प्लान कर रहा है भैया वेकेशन की छुट्टी इस महीने तो किसी को भी नहीं मिलेगी पहली बात क्यों नहीं मिलेगी कि भाई हम नहीं चाहते आप ओवर टाइम काम करो तो अगर आप वेकेशन प्लान कर रहे हो तो वेकेशन की छुट्टी नहीं मिलेगी अगर ये वाले मेल के पहले आपने ऑलरेडी अपने बॉस से या अपने डिपार्टमेंटल हेड से परमिशन ले है के लिए वेकेशन के लिए तो ठीक है यह मेल के बाद अगर आप इस महीने में वेकेशन प्लान कर रहे हो छुट्टी मिलने वाली नहीं क्योंकि वर्कलोड बहुत ज्यादा है इस महीने में यह फॉर्मल मेल आपको लिखना है सेमी फॉर्मल सारे के सारे यह कौन लिखेगा यह मेल यह वो लिखेगा जो डिपार्टमेंटल हेड है डिपार्टमेंटल हेड अपने इंप्लॉय को लिख रहा है क्योंकि जूनियर सीनियर हो गए तो फॉर्मल रहेगा ठीक है।, है जी ठीक है जी बताइए ठीक है तो ये आपका होमवर्क रहेगा आज की क्लास यहीं तक है तो आज की क्लास में अपन ने लेटर का थोड़ा सा रिविजन किया है मेमो पढ़ा है सर्कुलर पढ़ा है मेल पढ़ा है मेल का एक होमवर्क कल चेक कराऊंगा कल अपन पढ़ेंगे रिज्यूमे राइटिंग और मिनट्स राइटिंग तो पीछे का पूरा पोर्शन कल खत्म हो जाएगा फिर तीन टॉपिक बचेगा मोटे मोटे वो एक दो दिन में हो जाएंगे तो ऐसे कल अपन ने शुरू किया है आज दूसरा दिन है पांच दिन बोला था पांच दिन में हो जाएगा ठीक है जी मानव जोशी बोल रहा है हाय सर आई एम अ सीएमए फाउंडेशन स्टूडेंट आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर शुक्रिया सर शुक्रिया ठीक है यस All of you welcome. Bye bye. Tata. ta ta tata, tata. Namaskar, namaskar. Thank you. Tata, bye.